हेलो गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बहुत दिनों के बाद हमारी LNP प्लेलिस्ट का मैं एक और वीडियो ऐड कर रहा हूँ। मैंने अभी तक 7 वीडियोस डाले हैं उसमें, और मैंने आपको जैसा प्रॉमिस किया था कि मैं टोटल 10 वीडियोस डालूंगा, तो 2 टॉपिक्स उसमें रह गए हैं। एक है टॉपिक मॉडलिंग और दूसरा है नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन। एंड अनफॉर्चुनेटली इन दोनों के ऊपर मैं अभी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, सो दिस इज़ काइंड ऑफ एन अनाउंसमेंट। रीज़न ये है कि नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन पढ़ने के पहले हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा अबाउट डीप लर्निंग, तभी हम उसको अच्छे से कवर कर पाएंगे। एंड सिमिलरली हमें टॉपिक मॉडलिंग के लिए भी LDA पढ़ना पड़ेगा, तो ये मैंने अभी तक कवर नहीं किया है। तो जैसे ही ये दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी, मैं ये दोनों वीडियोज़ अपलोड कर दूंगा। और अब आज के वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ कि जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं इस कोर्स में, उसको एक प्रोजेक्ट के फॉर्म में हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग एक प्रोजेक्ट बेस्ड वीडियो करने वाले हैं, जहाँ पर वी आर गोइंग टू बिल्ड अ प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच। प्रोजेक्ट का नाम है डुप्लीकेट क्वेश्चन पेयर्स। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है NLP का, जहाँ पे हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें 2 क्वेश्चंस हैं, और हमें उन 2 क्वेश्चंस को देख करके बताना है कि वो दोनों क्वेश्चंस डुप्लीकेट हैं या नहीं। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो दोनों में स्लाइट वर्ड्स का डिफरेंस है, बट दोनों क्वेश्चंस का मीनिंग सेम है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर आंसर करना है कि दीज क्वेश्चंस आर डुप्लीकेट, ठीक है। वेर एज अगर क्वेश्चन ये होता कि हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड दूसरा क्वेश्चन होता हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो ऑल द वर्ड्स बिल्कुल सेम है, बस एक ही वर्ड अलग है, लेकिन ये दोनों क्वेश्चंस अलग हो जाएंगे। तो हमें बोलना है ये क्वेश्चंस डुप्लीकेट नहीं है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग यूज़ केस है NLP का, बहुत जगह पे यूज़फुल है। इनफैक्ट हम जो डेटा सेट यूज़ करने जा रहे हैं वो कोरा का डेटा सेट है। कोरा एक क्वेश्चन आंसरिंग वेबसाइट है, उन्होंने सबसे पहले ये कॉम्पिटिशन क्रिएट किया था कैगल पे, और उनका आइडिया ये था कि कोरा पे बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, और वो क्वेश्चंस स्लाइटली डिफरेंट होते हैं, बट उनका मीनिंग सेम होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 अलग क्वेश्चन बन जाने की वजह से लोग अलग अलग जगहों पे जाके आंसर करने लगते हैं। तो कोरा का आइडिया था कि व्हाट इफ हम पहचान ले कि ये दोनों क्वेश्चंस अलग अलग हैं, और उनको अगर हम मर्ज कर पाएँ सारे आंसर्स को, तो हमारा यूज़र एक्सपीरियंस थोड़ा इम्प्रूव कर जाएगा, ठीक है। तो कोई भी अगर आप क्वेश्चन आंसरिंग फोरम की बात कर रहे हो, वहाँ पे ये जो फीचर है कि डुप्लीकेट क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करके मर्ज कर देना, ये एक बहुत बढ़िया यूज़ केस है, और बहुत सारी कंपनीज को करोड़ों कमा के दे सकता है, ठीक है। तो यही हम लोग इस प्रोजेक्ट में बनाने वाले हैं। हम लोग मशीन लर्निंग यूज़ करेंगे, ऑल दो आप इसमें डीप लर्निंग भी यूज़ कर सकते हो, बहुत लोगों ने इसको डीप लर्निंग करके भी बनाया है, बट हम लोग मशीन लर्निंग यूज़ करेंगे। और इस प्रोजेक्ट को बनाने में मुझे ऑलमोस्ट 1 हफ्ता उससे ज़्यादा लग गया, एंड दैट इज़ वाई दिस डीले। रीज़न बीइंग ये प्रोजेक्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, डेटा सेट बड़ा है, तो काम करने में थोड़ी परेशानी होती है। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि इस डेटा सेट में आपको बहुत फीचर्स खोजने होते हैं, तो वो मैं आपको इस वीडियो में करके दिखाऊंगा, और उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ा, यहाँ वहाँ का कोड मैंने देखा, और अलग अलग जगह से इंस्पायर होके आई फाइनली क्रिएटेड माय ओन कोड। तो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट अगर आप एंड तक स्टिक करोगे तो आप एक बहुत बढ़िया NLP एप्लीकेशन बना पाओगे, ठीक है। ऑल्सो अगर आप फर्स्ट टाइम हो इस चैनल पर, तो मैंने एक पूरा NLP प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा है, यू कैन चेकआउट द प्लेलिस्ट, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, मैं इस तरह का कॉन्टेंट हर वीक लाता रहता हूँ। अब और डिले नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विथ द प्रोजेक्ट। सबसे पहले मैं आपको डेटा सेट दिखाना चाहूँगा, जो डेटा सेट हमने यूज़ किया है इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए। सो कोरा पे कुछ साल पहले, कैगल पे कुछ साल पहले एक कॉम्पिटिशन आया था कोरा क्वेश्चन पेयर्स बोल के। कोरा की टीम ने ये कॉम्पिटिशन कंडक्ट कराया था। द प्राइज मनी वॉज $25,000, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट वही है जो हमने डिस्कस किया, और यहाँ वाला ही डेटा हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पर यू कैन सी दिस इज़ द डेटा, ज़्यादा कॉलम्स नहीं है, सिंपल सा डेटा है, ID, क्वेश्चन IDs, दोनों क्वेश्चंस, और वो डुप्लीकेट है कि नहीं, बस इतना ही डेटा है। यहाँ पर एक चीज़ जो पढ़ने वाली है, जो उन्होंने खुद भी माना है, उन्होंने लिखा है कि जो ये इज डुप्लीकेट है, मतलब जो कॉलम ये बताता है कि गिवन 2 क्वेश्चंस जो हैं वो डुप्लीकेट है कि नहीं, ये किसी ह्यूमन बीइंग ने बैठ करके लेबल किया है,
ठीक है। और फिर उन्होंने खुद माना है कि ह्यूमन लेबलिंग इज अ नॉइजी प्रोसेस, एज अ रिजल्ट द ग्राउंड ट्रूथ लेबल्स ऑन दिस डेटा सेट शुड बी टेकन एज इन्फॉर्म्ड बट नॉट एज 100% एक्यूरेट एंड मे इंक्लूड इनकरेक्ट लेबलिंग। ठीक है। वी बिलीव द लेबल्स ऑन द होल टू रिप्रेजेंट अ रीजनेबल कंसेंसस बट दिस मे ऑफन नॉट बी ट्रू ऑन अ केस बाई केस बेसिस फॉर इंडिविजुअल आइटम्स इन द डेटा सेट। तो इनका कहने का मतलब ये है कि ये इज डुप्लीकेट है कि नहीं, ये जो कॉलम है ये किसी ह्यूमन बींग ने बैठ के क्रिएट किया है, तो देर इज अ चांस कि कुछ इंडिविजुअल क्वेश्चन पेयर्स पे गलती हो सकती है, बट ऑन द होल जो डेटा सेट है उसमें चीजें आपको ऑन द होल सही लगेंगी। तो उन्होंने पहले ही ये बात मान ली है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये डेटा सेट डाउनलोड करने के लिए यू हैव टू प्रेस दिस बटन, आई अंडरस्टैंड एंड अग्री। और उसके बाद आपको सिर्फ ये फाइल चाहिए, train.csv.zip, और आप इसको क्या कर सकते हो, अनजिप कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर रखा है। यू कैन सी मैंने अपने फोल्डर में train.csv को डाल रखा है। ठीक है। सो यही है डेटा सेट। अब हम लोग कोड में देखते हैं। तो सबसे पहले जब मेरे पास डेटा सेट आया तो मैंने उसके ऊपर सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चनिंग किया। ठीक है, ईडीए भी कह सकते हो आप। तो ये वो नोटबुक है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लाइब्रेरीज इंपोर्ट की हैं, डेटा सेट को इंपोर्ट किया और डेटा सेट का शेप देखा। तो यू कैन सी टोटल मिला के हमारे पास ऑलमोस्ट 4 लाख रोज हैं इस डेटा सेट में। सो बहुत बड़ा डेटा सेट है ये। ठीक है। उसके बाद हमने हेड किया, तो ये रहे हमारे टॉप 5 रोज। अब यहाँ से हमें थोड़ा ओवरव्यू मिलेगा इस डेटा सेट का। सो अगर आप कॉलम्स के ऊपर फोकस करो तो सबसे पहले आईडी ऑफ द रो है, ठीक है, जो कि उतने काम का नहीं है। उसके बाद है Q1 का आईडी, ठीक है। उसके बाद है Q2 का आईडी, उसके बाद Q1 खुद है, उसके बाद Q2 खुद है, और उसके बाद ये बताया गया है कि वो डुप्लीकेट है या नहीं है। सो पहले पांचों क्वेश्चंस डुप्लीकेट नहीं है। ठीक है। जैसे कि यहाँ तो हम लोग कंप्लीटली पढ़ नहीं पा रहे हैं, काम करते हैं, लेट्स डू सैम्पल, रैंडमली कोई भी 10 उठाते हैं एंड यू कैन सी। हाँ, जैसे कि ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ i7, व्हाट डज प्लस प्लस मीन इन L++। क्लियरली यू कैन सी ये दोनों क्वेश्चंस अलग अलग हैं, डुप्लीकेट नहीं है, तो दैट इज वाई यहाँ पे 0 है। ठीक है। उसके अलावा अगर हम फिर से इसको रन करें तो कोई और क्वेश्चन हमें दिखेगा, जैसे कि ये है, व्हाट आर सम वेज टू एम्पलीफाई लीनियर मोशन, हाउ डू यू एम्पलीफाई लीनियर मोशन, तो ये डुप्लीकेट क्वेश्चन है। ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा डेटा सेट है। हमारे पास 4 लाख क्वेश्चन पेयर्स हैं और 4 लाख क्वेश्चन पेयर के इस डुप्लीकेट कॉलम में हमारे पास 1 या 0 का वैल्यू है। तो इन अ वे अभी तक ये एस्टैब्लिश हो गया कि हम एक बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हैं, जहाँ पे अगर हमें 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, हमारा काम है ये बताना कि वो दोनों क्वेश्चंस डुप्लीकेट हैं या नहीं। ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने df.info लगा करके थोड़ा और बेसिक क्वेश्चंस पूछे इस डेटा सेट से, तो डेटा टाइप वगैरह समझ में आ गया। ऑल्सो यहाँ पे कुछ मिसिंग वैल्यूज दिखाई दी जो मैंने अगली लाइन में चेक किया, df.isnull.sum लगा के, तो पता चला कि Q1 वाले कॉलम में कोई एक रो में क्वेश्चन मिसिंग है और Q2 वाले कॉलम में कोई 2 रोज में क्वेश्चन मिसिंग है। तो सिंस हमारे पास इतना ज़्यादा डेटा है, ये दोनों रोज, इनफैक्ट ये तीनों रोज हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फिलहाल मैंने अपने दिमाग में रखा है कि डुप्लीकेट सॉरी मिसिंग वैल्यूज हैं, इसको हम लोग बाद में हैंडल करेंगे। ऑल्सो इसी स्टेप पे मैंने चेक किया कि कोई रो कम्प्लीटली डुप्लीकेट है कि नहीं। ठीक है। और पता चला कि कोई भी कम्प्लीटली डुप्लीकेट रो नहीं है, तो डेटा उस हिसाब से सही है। ठीक है। नाउ अब एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आया वो ये था कि मुझे ये पता करना था कि 4 लाख क्वेश्चन पेयर्स में कितने क्वेश्चन पेयर्स डुप्लीकेटेड हैं और कितने क्वेश्चन पेयर्स डुप्लीकेट नहीं है। ठीक है। तो मैंने वही पता किया, सिंपली हमने वैल्यू काउंट्स लगा दिया तो पता चल गया कितने 1 है कितने 0 है। तो यू कैन सी 2.5 लाख रोज, मतलब 2.5 लाख क्वेश्चन पेयर्स डुप्लीकेट नहीं है, वेयर एज ऑलमोस्ट 1.5 लाख क्वेश्चन पेयर्स डुप्लीकेटेड है। ये रहा परसेंटेज, 63 नॉट डुप्लीकेट, 36 डुप्लीकेट, और ये रहा उसका बार चार्ट। ठीक
ठीक है, तो थोड़ा सा अनबैलेंस है डेटा सेट, एक क्लास की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, जीरो वाली क्लास की तरफ। सो ये भी हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये पता किया कि कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं इस पूरे डेटा सेट में। ठीक है, तो दिस इज़ द कोड, और इस कोड को रन करने से ये समझ में आया कि टोटल यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो एक्चुअली क्या होंगे। क्वेश्चन वन में जितने क्वेश्चंस होंगे प्लस क्वेश्चन टू में जितने क्वेश्चंस होंगे, तो टोटल मिला के अगर 4 लाख पेयर्स हैं तो टोटल हमारे पास ऑलमोस्ट 8 लाख क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सो उन 8 लाख क्वेश्चंस में से 5 लाख समथिंग क्वेश्चंस यूनिक क्वेश्चंस है जो पूरे डेटा सेट में सिर्फ एक बार आए हैं, वेयर एज बाकी के 1,11,000 क्वेश्चंस डुप्लीकेटेड हैं जो डेटा में मल्टीपल टाइम्स आए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की, एक बार मैं फिर से बताता हूँ। सो हमारे डेटा में टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन वन कॉलम में जितने क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन टू कॉलम में जितने क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन वन कॉलम में 4 लाख क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन टू में भी 4 लाख, तो दोनों को जोड़ दिया तो टोटल मिला के हमारे पास 8 लाख क्वेश्चंस हैं। तो अब हम ये पता करने का ट्राई कर रहे हैं कि उनमें से कितने क्वेश्चंस यूनिक हैं, कितने क्वेश्चंस डुप्लीकेटेड हैं। तो वही हमें पता चला कि अराउंड 5,37,000 क्वेश्चंस यूनिक हैं जो एक ही बार आ रहे हैं पूरे डेटा सेट में, वेयर एज 1,11,000 क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, वो मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं। कितनी बार आ रहे हैं वो हमें नहीं पता, बट ये मल्टीपल टाइम्स अकर कर रहे हैं। तो फिर मैंने क्या किया, एक हिस्टोग्राम प्लॉट किया जहाँ पे आप ये देख रहे हो कि एक बार अकर करने वाले क्वेश्चंस कितने हैं, दो बार अकर करने वाले क्वेश्चंस कितने हैं, तीन बार अकर करने वाले क्वेश्चंस कितने हैं, एंड सो ऑन। सो यू कैन सी सिर्फ एक बार अकर करने वाले क्वेश्चंस विच आर बेसिकली यूनिक क्वेश्चंस, वो आपका 10^5 एज इन ये 1 लाख है तो ये समथिंग 5 लाख के अराउंड है यूनिक क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद आप जैसे जैसे बढ़ा रहे हो, जैसे कोई वो कितने क्वेश्चंस हैं जो दो बार आए हैं तो वो भी काफ़ी सारे हैं। ठीक है, ऐसे कितने क्वेश्चंस हैं जो तीन बार आए हैं वो भी काफ़ी सारे हैं, और जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हो नंबर तो धीरे धीरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस घटते जा रहे हैं। यहाँ पे कोई एक सिंगल ऐसा क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट 160 बार आया है, मतलब कोई एक ऐसा क्वेश्चन है हमारे डेटा सेट में जो 160 टाइम्स रिपीट हुआ है। ठीक है, फिर वैसा ही कोई एक क्वेश्चन है जो 120 बार रिपीट हुआ है, ऐसा कोई और क्वेश्चन है जो 110 बार रिपीट हुआ है। तो आई गेस आपको ये समझ में आ रहा है, ये मैं आप समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो 8 लाख क्वेश्चंस हैं उसमें से 5 लाख 5.5 लाख क्वेश्चंस यूनिक हैं, बाकी सब रिपीट हो रहे हैं। ये कर्व आपको ये बता रहा है, ये ग्राफ आपको ये बता रहा है कि वो क्वेश्चंस कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि एक जो क्वेश्चन है वो 157 टाइम्स रिपीट हो रहा है, वहीं पे यहाँ पे अगर आप देखो तो कम टाइम्स रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो दिस वाज द इनिशियल ईडीए दैट आई डिड, और इसको करने के बाद फिर मुझे लगा कि एक काम करते हैं, सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच लगाते हैं। सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच क्या है मैं आपको बताता हूँ। सो आई थॉट कि मेरे पास ये डेटा सेट है, क्वेश्चन ID 1, क्वेश्चन ID 2, क्वेश्चन वन एंड क्वेश्चन टू, और यहां पे हमारा इज डुप्लीकेट कॉलम था। सो आई थॉट कि मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, मैं इस कॉलम के ऊपर बैग ऑफ वर्ड्स लगा दूंगा, इस कॉलम के ऊपर बैग ऑफ वर्ड्स लगा दूंगा, और फिर इस कॉलम को अपना वाई मान लूंगा, और इस डेटा सेट के ऊपर आई विल डायरेक्टली परफॉर्म लेट्स से रैंडम फॉरेस्ट टाइप का कोई एल्गोरिदम, और डायरेक्टली एक बार सॉल्व करके देखते हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग, सो दैट समझ में आए कि भाई कितना एक्यूरेसी है जब आप कुछ भी किए बिना सारा काम कर रहे हो। तो मैंने वही किया यहाँ पे, यू कैन सी मैंने एक नया डेटा सेट, एक नया नोटबुक बनाया है जहाँ पे मैंने ये सेम लॉजिक अप्लाई किया है। सो मैं इसको रन नहीं कर रहा बिकॉज प्रोग्राम को पूरा रन करने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो मैंने पहले से रन कर रखा है। तो यहाँ पे मैंने डेटा सेट इम्पोर्ट किया। ऑल्सो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की इस नोटबुक को रन करने के प्रोसेस में कि जब आप 4 लाख रोज के ऊपर काम कर रहे हो तो डेटा सेट इतना बड़ा हो जा रहा है कि आपका आउटपुट आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। इनफैक्ट मेरे लैपटॉप पे तो मैं हो ही नहीं पा रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि
रादर देन यूजिंग ऑल द 4 लाख रोज, आई विल रैंडमली सेलेक्ट 30,000 रोज। ठीक है, सो मैं आप पूरे डेटा सेट पे काम नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 30,000 रोज पे काम कर रहा हूँ। अगर आपके पास अच्छा लैपटॉप है मेरे से, या फिर आप क्लाउड पे कर रहे हो, तो आप इससे ज़्यादा रोज यूज़ कर सकते हो, बट फिलहाल मैंने 30,000 रोज लेके ही काम किया। फॉर्चुनेटली जब मैंने पता किया कि कितनी मिसिंग वैल्यूज हैं इन 30,000 रोज में, तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ जीरो था, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डुप्लीकेटेड तो ओवरऑल डेटा सेट में ही नहीं था, तो सबसेट में भी नहीं होगा। उसके बाद मैंने क्या किया कि इस डेटा फ्रेम में से एक नया डेटा फ्रेम बनाया जिसमें सिर्फ ये दोनों क्वेश्चंस थे। ठीक है, सो बेसिकली मैंने बाकी सारे कॉलम्स को इग्नोर कर दिया, सिर्फ इन दोनों क्वेश्चंस को निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने काउंट वेक्टराइजर को कॉल किया, मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस को एक लिस्ट में डाल दिया। क्वेश्चन 1 को पहले डाला लिस्ट में, फिर क्वेश्चन 2 को डाला लिस्ट में। तो बेसिकली ये एक लिस्ट है, ये जो क्वेश्चंस वेरिएबल है ये एक लिस्ट है जिसमें 8 लाख क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फिर मैंने काउंट वेक्टराइजर को इनिशियलाइज किया और मैंने यहाँ पे लिखा मैक्स फीचर्स इक्वल टू 3,000, क्योंकि बहुत ज़्यादा फीचर्स हो जा रहे थे, 15-20 हज़ार, तो मैंने सोचा उतने ज़्यादा कॉलम्स नहीं चाहिए मुझे, मुझे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले 3,000 वर्ड्स का फीचर्स बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया, फिट ट्रांसफॉर्म इस लिस्ट के ऊपर। इस लिस्ट को ट्रांसफॉर्म करने से मुझे हर क्वेश्चन का बैग ऑफ वर्ड्स मिल गया। उसको मैंने, सिंस वो 20,000 टोटल क्वेश्चंस थे, सॉरी 60,000 टोटल क्वेश्चंस थे, मैंने उसको बीच से स्प्लिट करके क्वेश्चन 1 के लिए 30,000 रख लिया, क्वेश्चन 2 के लिए 30,000 रख लिया। और यहाँ पर यू कैन सी मैंने उनको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया और आपस में कॉन्कैटिनेट कर दिया। सो अब बेसिकली मेरे पास 30,000 रोज हैं जो कि इनिशियली भी थे, और फिर 6,000 कॉलम्स हैं। 6,000 कॉलम्स क्यों हैं, क्योंकि 3,000 बैग ऑफ वर्ड्स फीचर हैं क्वेश्चन 1 के, और 3,000 बैग ऑफ वर्ड्स फीचर हैं क्वेश्चन 2 के, और उन दोनों को जब आप कॉन्कैटिनेट कर दो साइड बाय साइड, तो आपके पास टोटल 6,000 फीचर्स हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मेरे पास जो डेटा सेट है उसमें 30,000 रोज हैं जो ओरिजिनल डेटा सेट में भी थे, और अब मेरे पास 6,000 न्यूमेरिकल फीचर्स हैं। इनफैक्ट आई कैन शो यू ये कैसा दिखाई दे रहा है। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टेम्प डी एफ, यू कैन सी ये रहे वो सारे फीचर्स। ठीक है, तो बहुत सारे इसमें जीरोज होंगे क्योंकि ये स्पार्स एरे हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, इस टेम्प डी एफ में एक नया कॉलम ऐड किया, इज डुप्लीकेट मेरा वाई वैल्यू, और वो मैंने अपने ओरिजिनल वाले डेटा सेट से उठा लिया इस वाले कॉलम को। ठीक है, सो अब मेरा डेटा सेट ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, यू कैन सी अब 6,001 कॉलम हो गए। तो अब मेरे पास डेटा रेडी है। मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया और रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर अप्लाई कर दिया, और रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर अप्लाई करने पे आई वॉज गेटिंग एन एक्यूरेसी ऑफ 74%। ठीक है, तो विदाउट डूइंग एनीथिंग, ऑल दो ऑल्सो मैंने एक्सजी बूस्ट भी अप्लाई किया और उससे भी 73 के आसपास आ रहा है। ये दोनों मेरे फेवरेट एल्गोरिदम्स हैं, तो जनरली हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं ये, तो मैं इनको एक बार चला के देख लेता हूँ। हो सकता है कि कोई और एल्गोरिदम इससे अच्छा रिजल्ट दे दे, बट रैंडम फॉरेस्ट और एक्जी बूस्ट से अराउंड 73-74% का एक्यूरेसी आ रहा है, विदाउट डूइंग एनीथिंग, विदाउट अप्लाइंग एनी काइंड ऑफ प्री प्रोसेसिंग या फिर कुछ भी, और फीचर सेलेक्शन सॉरी फीचर इंजीनियरिंग किए बिना वी आर गेटिंग 74%। तो इससे मुझे एक आइडिया मिल गया कि चलो इतना तो आ ही जाएगा, अब मुझे इसके ऊपर इम्प्रूवमेंट लाना है। सो गाइज, वो बेसिक अप्रोच लगाने के बाद मैं इस कंपटीशन के डिस्कशन पेज पे गया, और यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे डिस्कशंस पढ़े और बहुत सारे सॉल्यूशंस भी थे यहाँ पर, जैसे ये सब थे ओवरव्यू ऑफ थर्ड प्लेस सॉल्यूशन एंड ऑल। और ये पूरी चीज़ पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि लोगों ने इस कंपटीशन में जीतने के लिए कुछ फीचर इंजीनियरिंग किया है। सो दे हैव क्रिएटेड सम न्यू फीचर्स इन आर डेटा सेट। ठीक है, तो वही डेटा सेट में जो फीचर इंजीनियरिंग करना था वो सेम चीज मैंने किया। मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन से फीचर्स मैंने ऐड किए। तो मुझे ये 7 फीचर्स दिखाई दिए, और ज्यादा थे एक्चुअली, बट मैंने अपने पर्पस के लिए ये 7 फीचर्स बनाए। मैं एक बार आपको ये सारे फीचर्स के बारे में बताता हूँ। सो सबसे पहला फीचर था क्वेश्चन 1 लेंथ। ठीक है, कि 2 क्वेश्चन है हमारे पास पर रो, यू कैन सी
हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन वन का लेंथ एक फीचर होगा, क्वेश्चन टू का लेंथ दूसरा फीचर होगा, उसके बाद क्वेश्चन वन में कितने वर्ड्स हैं वो भी एक फीचर हो सकता है, क्वेश्चन टू में कितने वर्ड्स हैं वो भी एक फीचर हो सकता है। फिर उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर मुझे मिला, वो था वर्ड कॉमन। ठीक है, कि दोनों क्वेश्चंस में, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कितने वर्ड्स कॉमन है। ओके, उसके बाद फिर एक और था वर्ड्स टोटल, दोनों क्वेश्चंस में कितने यूनिक वर्ड्स हैं, सम कर दिया मैंने। और लास्ट में एक और इंटरेस्टिंग फीचर था वर्ड शेयर, ये बेसिकली वर्ड कॉमन डिवाइडेड बाय वर्ड टोटल था। तो ये सेवन फीचर्स मुझे दिखाई दिए कैगल पे, और यही सेवन फीचर्स मैंने भी क्रिएट किए। अब मेरा प्लान क्या था कि मैंने फॉर एवरी रो, यहाँ पे 30,000 रोज लेके चल रहा हूं मैं, फॉर एवरी रो मैंने सेवन न्यू कॉलम्स बनाए। ठीक है, और इन सेवन न्यू कॉलम्स में मैंने 3,000 बैग ऑफ वर्ड्स फीचर्स ऐड किए क्वेश्चन वन के, और 3,000 बैग ऑफ वर्ड्स फीचर ऐड किए क्वेश्चन टू के, जो मैंने इसके पहले किया था। और टोटल मिला के अब मेरे पास जो नंबर ऑफ फीचर्स थे वो हो गए थे 3,000 प्लस 3,000 प्लस 7, 6,007 फीचर्स अब मेरे पास हो गए। और फिर मैंने इसको अपने रैंडम फॉरेस्ट मॉडल को दिया, और अब मैं दिखाता हूँ कि इससे कुछ इम्प्रूवमेंट आया या फिर नहीं आया। ये रहा वो नोटबुक, मैं चला के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि फिर से टाइम लगेगा। यहाँ पे हमने डेटा को इंपोर्ट किया, इनिशियली डेटा का साइज 4 लाख रोज था, ये हमारा डेटा है। मैंने उसमें से 30,000 रोज निकाल लिए, रैंडम स्टेट फिक्स कर दिया, सो दैट जितनी बार भी मैं ये कोड रन करूँ हर बार रैंडमली सेम क्वेश्चंस मुझे मिले। ठीक है, जो 30,000 क्वेश्चंस का पेयर मिला उसमें एक भी मिसिंग वैल्यू नहीं था, सो अच्छी बात है। ये रहे मेरे नए क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद ये ऊपर हमने निकाल लिया है, कोई डुप्लीकेट रो भी नहीं है। उसके बाद मैंने जो चीजें 4,000 4 लाख रोज में की थी वो सेम चीजें मैंने यहाँ पे भी की। यू कैन सी यहाँ पे टोटल मिला के हमारे पास 60,000 क्वेश्चन है, सॉरी टोटल मिला के 30,000 रोज हैं। तो उनमें से 19,000 रोज में जो क्वेश्चंस हैं वो डुप्लीकेटेड नहीं है, और 10,000 11,000 रफली डुप्लीकेटेड हैं। ठीक है, तो सेम परसेंटेज चल रहा है ऑलमोस्ट, 63% नॉन डुप्लीकेट, 36% डुप्लीकेट। ठीक है, ये रहा उसका बार प्लॉट। और उसके बाद टोटल मिला के हमारे पास 60 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि 30,000 रोज हैं, तो क्वेश्चन वन प्लस क्वेश्चन टू मिला के 60,000 क्वेश्चंस हैं। उसमें से 55,000 क्वेश्चंस यूनिक हैं, और 3,400 क्वेश्चंस नॉन यूनिक है, मतलब रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, ये रहा उसका ग्राफ जो हमने पहले भी कर रखा है। सो कोई एक क्वेश्चन है जो 8 बार रिपीट हुआ है, कुछ 4 5 क्वेश्चंस हैं जो 7 बार रिपीट हुए हैं, 6 बार रिपीट हुए हैं, 5 बार रिपीट हुए हैं, बट ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं 10,000 55,000 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एक भी बार, एक ही बार आए हैं, रिपीट नहीं हुए हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से मैंने फीचर इंजीनियरिंग स्टार्ट किया। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक नया कॉलम बनाया Q1 लेंथ। ठीक है, जिसको निकालना बहुत ही ईजी था, क्वेश्चन वन के ऊपर .str .length लगा दिया, सिमिलरली क्वेश्चन टू लेंथ निकाल दिया क्वेश्चन टू के ऊपर लगा करके, और ये रहा हमारा करेंटली डेटा फ्रेम। सो यू कैन सी लास्ट में ये दो नए कॉलम्स हमारे ऐड हो गए, टोटल मिला के 7 कॉलम्स ऐड करने हैं, उनमें से दो हमने ऐड कर लिए, ये रहे हमारे कॉलम्स। ठीक है, उसके बाद फिर अगले दो कॉलम्स भी बहुत ईजी थे, नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करना था, बहुत सिंपल था, मैंने बस क्वेश्चंस को लेके स्प्लिट कर दिया स्पेस के ऊपर। ठीक है, फॉर बोथ क्वेश्चन वन एंड क्वेश्चन टू। और ये स्टेप करने के बाद यू कैन सी दो और नए फीचर्स ऐड हो गए, Q1 नंबर्स, Q2 नंबर्स। ठीक है, यहाँ तक आई गेस क्लियर है। अब अगला सवाल आता है कॉमन वर्ड्स निकालना। ठीक है, कॉमन वर्ड्स, तो कॉमन वर्ड्स निकालने के लिए बहुत सिंपल था, मैंने पूरा का पूरा रो पास किया, मैंने एक फंक्शन बनाया कॉमन वर्ड्स बोल के, पूरा का पूरा रो पास किया, रो में क्वेश्चन वन भी होगा क्वेश्चन टू भी होगा। उसके बाद मैंने क्वेश्चन वन के सारे वर्ड्स निकाले, क्वेश्चन टू के सारे वर्ड्स निकाले, और उन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लगा दिया। पहले मैंने उसको सेट में कन्वर्ट किया, मैं आपको ये कोड रन करके दिखा देता हूँ। सो लेट्स से हम ये कोड को रन करते हैं कॉपी। सो ये कोड क्या कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीपल फंक्शंस है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं
इस स्ट्रिंग को लेके आपको दिखाता हूँ कि क्वेश्चन ये क्या हो रहा है यहाँ पे। ये देखो, सबसे पहले क्या हो रहा है कि हमारा मैप फंक्शन है, मैप फंक्शन में पहले मैंने एक लैम्डा फंक्शन डाल रखा है, और ये लैम्डा फंक्शन क्या करता है कि इसको अगर एक वर्ड दिया जाता है तो वो उस वर्ड को पहले लोअर करता है और फिर स्ट्रिप करता है, ठीक है। और फिर मैप में मैंने दूसरा क्या भेजा है, एक लिस्ट भेजा है जो कि स्ट्रिंग को स्प्लिट करके मिल रहा है। और बेसिकली होगा क्या, अगर मैं यहाँ से सेट हटा दूं तो दिस वुड बी द आउटपुट, लिस्ट में ही दिखाई देगा ये। सो अगर मैं यहाँ पे लिस्ट लगाऊं तो यू कैन सी ये सारे के सारे हमारे वर्ड्स आ गए, ठीक है। सारे के सारे वर्ड्स के ऊपर हमने दो ट्रांसफॉर्मेशन लगाए हैं, एक लोअर कर दिया है, दूसरा स्ट्रिप कर दिया है, ठीक है। इतना हमने कर लिया। अब इसको मैंने जैसे ही सेट में कन्वर्ट किया, इनफैक्ट मैं डायरेक्टली भी सेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, जैसे ही मैंने सेट में कन्वर्ट किया तो जो डुप्लीकेट वर्ड्स होंगे वो हट जाएंगे और ये मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो वही है, ये है डब्ल्यू वन के यूनिक वर्ड्स, सॉरी क्वेश्चन वन के यूनिक वर्ड्स, और ये है क्वेश्चन टू के यूनिक वर्ड्स। और फिर उन दोनों के ऊपर हमने लगा दिया सेट इंटरसेक्शन, और सेट इंटरसेक्शन में जितने भी आइटम्स आए हमने उसका लेंथ निकाल दिया, वही है हमारे नंबर ऑफ कॉमन वर्ड्स। आई होप आपको समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल था ये। अब हमने क्या किया, बस न्यू डी एफ डॉट अप्लाई में इस फंक्शन को कॉल कर दिया और ये रहा हमारा आउटपुट। लास्ट में वर्ड कॉमन बोल के एक नया कॉलम ऐड हो गया, ठीक है। तो पांच फीचर्स बन गए। अगला है टोटल वर्ड्स, टोटल वर्ड्स भी बहुत सिंपल था, सेम डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू का ट्रांसफॉर्मेशन और फिर ऐड कर दिया, ठीक है, और फिर से अप्लाई कर दिया और ये रहा डब्ल्यू वर्ड टोटल वाला कॉलम, तो छह हो गए। अब लास्ट वाला जो था वो था वर्ड शेयर, जो कैसे बनता है, वर्ड कॉमन डिवाइडेड बाय वर्ड टोटल, ठीक है, और ये रहा हमारा लास्ट वन, ठीक है। तो ये गाइज हमारे सेवन कॉलम्स हमने ऐड कर दिए, सेवन फीचर्स ऐड कर दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें बैग ऑफ वर्ड्स अप्लाई करना है और उसमें इन फीचर्स को कॉन्कैटिनेट करना है, ठीक है। तो आगे का कोड यही है। अच्छा बाय द वे एक चीज और, मैंने ये भी किया कि जब मैंने ये फीचर्स बनाए तो मैंने इनके ऊपर हल्का सा डेटा एनालिसिस किया, ईडीए परफॉर्म किया। जैसे कि मैंने सबसे पहले Q1 लेंथ जो मेरा कॉलम है, ये वाले कॉलम के ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस किया तो पता चला कि देर इज वन क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन वन वाले कॉलम में देर इज वन क्वेश्चन जिसमें सिर्फ दो ही कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, क्लियरली आउटलायर है, और जो मैक्सिमम है उसमें 391 कैरेक्टर्स हैं, और जो एवरेज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं क्वेश्चन वन में वो है अराउंड 59, और ये रहा उसका हिस्टोग्राम। सो यू कैन सी मोस्टली आपका 25 से लेकर के 60-70 तक ज्यादातर लाई कर रहे हैं। सिमिलरली जब मैंने Q2 का लेंथ के ऊपर अप्लाई किया तो मिनिमम आया 6 कैरेक्टर्स, मैक्सिमम किसी एक क्वेश्चन में 1000 से ज्यादा कैरेक्टर्स है, मतलब बहुत ज्यादा, और एवरेज इज ऑल्सो अराउंड 60। तो क्वेश्चन टू में एवरेज लेंथ है कैरेक्टर्स का 60, यहाँ पे 59 था, तो दोनों क्वेश्चन सिमिलर चल रहे हैं, और ये रहा इसका हिस्टोग्राम, इसमें कुछ आउटलायर्स हैं, ठीक है। फिर मैंने नंबर ऑफ वर्ड्स Q1 वाले में नंबर ऑफ वर्ड्स के ऊपर एनालिसिस किया, तो देर इज अ क्वेश्चन इन क्वेश्चन वन, देर इज अ क्वेश्चन इन क्वेश्चन वन कॉलम जहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ वर्ड्स इज 1, अगेन एक आउटलायर, और मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड्स इज 72, और एवरेज नंबर ऑफ वर्ड्स पर क्वेश्चन इज 10, ठीक है, इस वाले कॉलम में। और सेम चीज जब मैंने क्वेश्चन टू वाले नम वर्ड्स पे किया तो मेरे को पता चला कि एक मिनिमम है, 237 मैक्सिमम है सबसे ज्यादा वाला, और एवरेज 11 है, ठीक है। उसके बाद थोड़े इंटरेस्टिंग वाले पे जब हम गए, जैसे कि कॉमन वर्ड्स वाला जो कॉलम है उस पे जब हम गए तो मैंने क्या किया, मैंने नॉन डुप्लीकेट और डुप्लीकेट के ऊपर अलग एनालिसिस किया, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या चल रहा है। सो यू कैन सी जो ग्रीन वाला कर्व, जो ब्लू वाला कर्व है वो है नॉन डुप्लीकेट क्वेश्चन पेयर्स के, और जो ऑरेंज वाला है वो है डुप्लीकेट वाले पे। तो यू कैन सी कि जनरली जब वर्ड शेयर वाले कॉलम के ऊपर, हम इस कॉलम की बात कर रहे हैं बाय द वे, ये वर्ड कॉमन, जब इस कॉलम का वैल्यू कम रहता है, स्पेशली ये जो पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट होगा शायद 4, तो अगर आपके क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में 4 से कम
कॉमन वर्ड्स हैं तो उसका नॉन डुप्लीकेट होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखो तो आप बोल सकते हो कि अगर आपके क्वेश्चन वन और क्वेश्चन टू में कॉमन वर्ड्स चार से ज्यादा हैं, मतलब इस तरफ अगर आप जाओ तो फिर आपका डुप्लीकेट होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ये हमें क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है कि ये जो कॉलम है ये काम का कॉलम है, ठीक है। वर्ड कॉमन जो कॉलम है ये काम का कॉलम है। सिमिलरली जब टोटल वर्ड्स के ऊपर हमने काम किया तो हमें इस तरह का एक हिस्टोग्राम मिला, डिस्ट प्लॉट मिला, पीडीएफ मिला। तो अगर हम इसकी बात करें तो यू कैन सी कि जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स अगर आपके जीरो से लेकर के 20 के बीच में है, इस रेंज में है जब, तो फिर आपका डुप्लीकेट होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है नॉन डुप्लीकेट से। और अगर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आपके 40 से ज्यादा है तो फिर आपका नॉन डुप्लीकेट होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। और सिमिलरली मैंने लास्ट वाले कॉलम के ऊपर जब लगाया, वर्ड शेयर वाले कॉलम के ऊपर, तो मुझे ये ग्राफ मिला। और इस ग्राफ में भी यू कैन सी दिस इज द पॉइंट, पॉइंट टू के पहले अगर वर्ड शेयर का वैल्यू है तो नॉन डुप्लीकेट होने का चांस ज्यादा है, और अगर पॉइंट टू से ज्यादा है तो डुप्लीकेट होने का चांस ज्यादा है। तो इस तरीके से आप इन ग्राफ्स को इंटरप्रेट कर सकते हो, एंड क्लियरली दिख रहा है कि ये जो भी कॉलम्स हैं ये एक्चुअली हमें हेल्प करेंगे ड्यूरिंग आर एनालिसिस, ठीक है। तो इतना श्योर होने के बाद कि इनको रखना है, मैंने फिर अब आगे का काम स्टार्ट किया। मैंने एक नया डेटा फ्रेम बनाया जिसमें क्वेश्चन वन क्वेश्चन टू को अलग निकाल लिया, फिर मैंने एक और नया डेटा फ्रेम बनाया फाइनल डीएफ, जिसमें मैंने ओरिजिनल वाले में से आईडी क्यूआईडी वन क्यूआईडी टू क्वेश्चन वन क्वेश्चन टू सब हटा दिया, और ये मेरा फाइनल डीएफ है जिसमें ये मेरा आउटपुट कॉलम है और ये मेरे सारे नए बनाए हुए सातों फीचर्स हैं, ठीक है। तो इसको मैंने अलग रख लिया फाइनल डीएफ में। अब मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन डीएफ को पकड़ा और इसके ऊपर मैंने लगाया बैग ऑफ वर्ड्स, ठीक है। और बैग ऑफ वर्ड्स लगाने के बाद, ये पूरी चीज मैंने थोड़ी देर पहले भी करके दिखाई है, मुझे एक नया डेटा फ्रेम मिला जिसमें 30,000 रोज हैं और 6,000 कॉलम्स हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ 6,000 कॉलम्स क्यों हैं, क्योंकि 3,000 बैग ऑफ वर्ड फीचर्स हैं क्वेश्चन वन के लिए और 3,000 बैग ऑफ वर्ड फीचर्स हैं क्वेश्चन नंबर टू के लिए, ठीक है। और मैंने लास्ट में क्या किया, मैंने इस वाले को कॉन्कैटिनेट कर दिया इस वाले के साथ, ठीक है। और ये मुझे मिल गया मेरा नया फाइनल डीएफ जिसमें 6,008 कॉलम्स है। सो ये मेरे फीचर्स हो गए यहाँ तक, और इसके बाद 3,000 फॉर क्वेश्चन वन बैग ऑफ वर्ड्स एंड 3,000 फॉर क्वेश्चन टू बैग ऑफ वर्ड्स, और ये मेरा फाइनल डेटा बन गया, ठीक है। और अब इस डेटा का शेप है 30,000, 6,008, आई गेस आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया और फिर रैंडम फॉरेस्ट जैसे ही चलाया तो यू कैन सी मेरा एक्यूरेसी इंप्रूव कर गया, 76.8 पे चला गया, जो थोड़ी देर पहले विदाउट इन फीचर्स 73 point something था। तो ऑलमोस्ट 3-3.5 का मैंने इम्प्रूवमेंट लिया इतना मेहनत करके, इन सात फीचर्स को ऐड करने से मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ 3-3.5% एक्यूरेसी, ठीक है। और एक्सीबूस्ट जब लगाया तो 76.4 आ रहा था, तो क्लियरली ज़्यादा अच्छा भी रैंडम फॉरेस्ट ही परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब सवाल आता है हम इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो गाइज, मैंने काफ़ी सोचा इस चीज़ के बारे में कि इस मॉडल को कैसे इम्प्रूव करना है। एक चीज़ तो बहुत क्लियर थी कि मैंने प्री प्रोसेसिंग नहीं किया था, टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग मैंने ज़रा भी नहीं किया था। तो एक क्लियर कट स्टेप तो ये था कि मुझे प्री प्रोसेसिंग करना चाहिए, उससे ऑब्वियसली मॉडल इम्प्रूव करेगा। सेकेंड जो चीज़ थी वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग थी, जैसा कि मैंने बता रखा है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको काफ़ी पढ़ना पड़ेगा, जैसा कि मैंने किया। मैंने कैगल पे बहुत सारे डिस्कशंस पढ़े, बहुत सारे ब्लॉग्स देखे, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखे, और उसके बाद मुझे समझ में आया कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ एडवांस फीचर इंजीनियरिंग करनी है, कुछ मैजिक फीचर्स बनाने पड़ते हैं। और अलग अलग जगहों से जोड़ करके मुझे ये समझ में आया कि कुछ ये रहे वो मैजिक फीचर्स या फिर एडवांस फीचर्स आप बोल सकते हो।
तीन कैटेगरी के नए फीचर्स हमें क्रिएट करने पड़ेंगे, और इनके ऐड होने के बाद हमारा मॉडल और इम्प्रूव कर जाता है। ठीक है, तो पहला कैटेगरी है टोकन फीचर्स, दूसरा है लेंथ बेस्ड फीचर्स, और तीसरा है फजी फीचर्स। ठीक है, अब ये टोटल मिला के 15 फीचर्स हैं। हमारे पास एग्जिस्टिंग ऑलरेडी आई गेस 7 फीचर्स हैं, और ये 15 मिला करके एग्जिस्टिंग शायद 8 हैं, और ये 15 मिला के 23 फीचर्स हो जाएंगे। तो हमारे पास ये 23 फीचर्स हैं, इनके ऊपर हमें काम करना है। तो सबसे पहले मैंने मैंने प्लान किया है कि मैं आपको इन फीचर्स का एक डिटेल्ड इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हर फीचर का क्या मीनिंग है और वो फीचर आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, वो हम लोग पहले देखते हैं। सो गाइस, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल कि ये सारे के सारे जो एडवांस फीचर्स हैं इनका क्या मतलब है। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विथ टोकन फीचर्स। टोकन फीचर्स समझने के लिए आपको तीन चीजें समझनी पड़ेंगी। फर्स्ट, व्हाट आर टोकन्स, व्हाट आर वर्ड्स एंड व्हाट आर स्टॉप वर्ड्स। मान लो हमारे पास एक सेंटेंस है, सचिन इज अ ग्रेट बैट्समैन। तो इस सेंटेंस में टोकन्स क्या क्या हुए? टोकन्स ये सारे के सारे वर्ड्स हो गए, ऑल ऑफ दीज आर टोकन्स। सो इस वर्ड में, इस सेंटेंस में देर आर 5 टोकन्स। ठीक है, अब स्टॉप वर्ड्स क्या होते हैं? इस तरह के वर्ड्स इज ऑफ, जिनका कुछ सेमांटिक मीनिंग नहीं होता, वर्ड सेंटेंस फॉर्मेशन में काम आते हैं। जैसे यहाँ पर इज एंड अ, तो यहाँ पे दो आपके स्टॉप वर्ड्स हो गए। और वर्ड्स क्या होंगे? नॉर्मल वर्ड्स, स्टॉप वर्ड्स को छोड़ के जो भी वर्ड्स हैं वो आपके नॉर्मल वर्ड्स कंसिडर होते हैं। तो ये जो पहले 6 फीचर्स हैं ये इन्हीं तीनों टर्म्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट सी डब्ल्यू सी मिन। सो सी डब्ल्यू सी मिन होता है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉमन वर्ड्स टू द लेंथ ऑफ स्मॉलर क्वेश्चन। ठीक है, बेसिकली नंबर ऑफ कॉमन, हमारे पास दो क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। तो इन दोनों क्वेश्चंस में जितने नंबर ऑफ कॉमन वर्ड्स होंगे, ये चीज, ठीक है, डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ स्मॉलर क्वेश्चन, मतलब मिनिमम ऑफ वर्ड्स इन Q1 Q2। ठीक है, मतलब हम दोनों क्वेश्चन में देखेंगे कि कितने वर्ड्स हैं। मान लो इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हम मिनिमम ले रहे हैं। यही होता है सी डब्ल्यू सी मिन। सी डब्ल्यू सी मैक्स में न्यूमरेटर सेम होता है, डिनोमिनेटर में बस मिन के बदले आ जाएगा मैक्स। मतलब हम 3 नहीं लेंगे, हम 4 से डिवाइड करेंगे, दैट इज सी डब्ल्यू सी मैक्स। सी एस सी मिन क्या होता है? सी एस सी मिन है बेसिकली नंबर ऑफ कॉमन स्टॉप वर्ड्स डिवाइडेड बाय मिनिमम ऑफ स्टॉप वर्ड्स इन Q1 एंड Q2। ठीक है, बेसिकली सेंटेंस 1 और सेंटेंस क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में कॉमन स्टॉप वर्ड्स कितने हैं वो आ जाएगा न्यूमरेटर में। और फिर मान लो क्वेश्चन 1 में आपका है 5 स्टॉप वर्ड्स और क्वेश्चन 2 में है मान लो 6 स्टॉप वर्ड्स, तो आप 5 से डिवाइड कर दोगे बिकॉज आपको मिनिमम वाला लेना है। एंड सिमिलरली सी एस सी मैक्स में क्या होगा? सी एस सी मैक्स में सब कुछ सेम रहेगा, बस ये मिन के बदले मैक्स आ जाएगा। ठीक है, फिर आता है सी टी सी मिन। सी टी सी मिन भी बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ कॉमन टोकन्स, ठीक है, ये वाली चीज, ओके, डिवाइडेड बाय मिनिमम ऑफ टोकन्स इन क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 में मान लो 10 टोकन्स हैं, क्वेश्चन 2 में मान लो 15 टोकन्स हैं, तो आप 10 से डिवाइड करोगे। ठीक है, और सिमिलरली सी टी सी मैक्स क्या होता है? सी टी सी मैक्स में आप इस मिन को रिप्लेस कर देते हो विथ मैक्स। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज है। उसके बाद अगला वाला भी बहुत सिंपल है, लास्ट वर्ड इक्वल। ठीक है, लास्ट वर्ड इक्वल में क्या होता है कि आप सिंपली, आपके पास दो सेंटेंसेस होंगे, हेलो
एक काम करते हैं, थोड़ा नीचे जाते हैं। मान लो लिखा होगा हेलो, हाउ आर यू, आई एम फाइन। तो सिंस ये दोनों मैच नहीं कर रहे, आई एम सॉरी, लास्ट वाले दोनों मैच नहीं कर रहे तो जीरो आ जाएगा, लास्ट वाला दोनों मैच करेगा तो वन आ जाएगा। दैट इज लास्ट वर्ड इक्वल। फर्स्ट वर्ड भी समझ में आ रहा है, फर्स्ट वाला वर्ड मैच करना चाहिए, दैट इज फर्स्ट वर्ड इक्वल। ठीक है, आई गेस ये वाला आपको पूरा समझ में आ गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू लेंथ बेस्ड फीचर्स। ठीक है, लेंथ बेस्ड फीचर्स भी बहुत सिंपल है। आपको बेसिकली क्या करना है, सबसे पहला है मीन लेंथ। सो मीन लेंथ क्या होता है, मीन ऑफ द लेंथ ऑफ टू क्वेश्चंस। ठीक है, सो बेसिकली आपके पास क्वेश्चन वन है, क्वेश्चन टू है, आप दोनों के टोकन्स निकालोगे, नंबर ऑफ टोकन्स। मान लो इसमें 10 टोकन्स हैं, इसमें 15 टोकन्स हैं, आप दोनों को ऐड करके टू से डिवाइड कर दोगे, दैट इज योर मीन लेंथ। ठीक है, और एब्सोल्यूट लेंथ डिफरेंस क्या होता है, ये भी बहुत सिंपल है। आप फिर से टोकन्स को पकड़ोगे और उनका एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल दोगे। ठीक है, सो 10 माइनस 15 और एब्सोल्यूट वुड बी 5। ठीक है, नेक्स्ट इज लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग रेशियो। सो इट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग अमंग द टू क्वेश्चंस टू द लेंथ ऑफ द स्मॉलर क्वेश्चन। सो बेसिकली मान लो हमारे पास ये एक क्वेश्चन है जिसमें W1, W2, W3, W4, W1, W2, मान लो ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे W मतलब वर्ड है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन वन है और फिर हमारा क्वेश्चन टू है W1, W2, W5, W8, W1। तो अब हमें क्या करना है, टू फाइंड आउट लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग रेशियो, हमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग निकालना है। और क्लियरली आप देख सकते हो कि लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग जो है वो है W1, W2। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर दोगे बाय उस क्वेश्चन के नंबर ऑफ टोकन से जो कम है, जैसे कि यहाँ पर 6 है और यहाँ पे 5 है, तो आप 5 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो इट वुड बी 2/5। तो दैट इज व्हाट लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग रेशियो इज। ठीक है, कमिंग टू फजी फीचर्स, हमारे पास चार फजी फीचर्स हैं, फज रेशियो, फज पार्शियल रेशियो, टोकन सॉर्ट रेशियो एंड टोकन सेट रेशियो। ठीक है, ये सारी इस लाइब्रेरी से हमने निकाले हैं फजी वजी, और ये थोड़े से डिफिकल्ट है समझने में बिकॉज इसमें फजी लॉजिक लगता है। तो मैं आपको एक ब्लॉग की तरफ रीडायरेक्ट कर रहा हूँ, ये ब्लॉग उन लोगों ने लिखा है जिन लोगों ने फजी वजी लाइब्रेरी बनाई है। तो आपको यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने एग्जाम्पल्स के थ्रू चारों के चारों फीचर्स को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आपको एक बार ये ब्लॉग पढ़ना पड़ेगा और आपको उससे समझ में आ जाएगा कि ये चारों चीजें कैसे काम करती हैं। बहुत बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है, छोटा सा ब्लॉग है विद एग्जांपल्स दिया हुआ है और इन्होंने बहुत अच्छा समझाया है। तो आप ये पढ़ करके समझ सकते हो कि ये चारों फीचर्स आपके कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, सो गाइस अब हमें फीचर्स का थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो गया है, तो चलो फिर से स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट को। सारी लाइब्रेरीज हमने इंपोर्ट कर ली हैं, ऑल्दो मैं आपको कोड रन करके नहीं दिखाऊंगा बिकॉज इनमें से कई स्टेप्स ऐसे हैं जो बहुत टाइम लेते हैं एग्जीक्यूट होने में, तो मैं आपको बस कोड का एक वॉक थ्रू दे रहा हूँ। ये हमने पूरा डेटा इंपोर्ट किया और उस पूरे डेटा में से हमने 30,000 रोज निकाल लिए। ठीक है, ये रहे हमारे वो 30,000 रोज। ओके, सो ये हर बार सेम है क्योंकि हमने रैंडम स्टेट सेट कर रखा है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इस बार बस क्या डिफरेंस है कि मैं कोई भी फीचर्स क्रिएट करने के पहले प्री प्रोसेसिंग करूंगा, डेटा को इम्प्रूव करूंगा। ठीक है, सो तीन चार तरीके से मैं करने वाला हूँ। मैंने इनफैक्ट एक फंक्शन बना दिया है प्री प्रोसेस बोल के, जिसमें अगर आप एक क्वेश्चन भेजोगे तो वो उस क्वेश्चन के ऊपर कई तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस करेगा। मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सो सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन तो ये है कि वो क्वेश्चन को लोअर केस में लेके आ जाएगा और स्ट्रिप कर देगा सारे वाइट स्पेसेस। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे कि कुछ सर्टेन स्पेशल कैरेक्टर्स जो आपके क्वेश्चंस में हैं उनको आप उनके स्ट्रिंग इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करोगे, जैसे परसेंट सिंबल के बदले परसेंट वर्ड आ जाएगा, डॉलर के बदले डॉलर, रुपी सिंबल के बदले रुपी वर्ड आ जाएगा, एट द रेट के बदले एट वर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये रिप्लेसमेंट्स करने हैं। उसके बाद एक ब्लॉग पे मुझे ये पता चला कि ये मैथ इस तरीके से अकर कर रहा है बहुत सारे क्वेश्चंस में और इसका कुछ मीनिंग नहीं है, तो हम इसको हटाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो नंबर वाले सारे सिंबल्स हैं हम इनको रिमूव करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग
वर्ड्स को डीकॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? सो मुझे एक बहुत बड़ी डिक्शनरी मिल गई इस लिंक से, जहाँ पे ये सारे के सारे जो अब इनको क्या बोला जाता है इंग्लिश में आई डोंट नो, बट वी यूज देम अलॉट, इनको हम लोग ब्रेक करके प्रॉपर लंबे वर्ड्स में लिखेंगे, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ी डिक्शनरी है, हमने इसको यूज़ किया और एक लूप चला करके ये सारा काम किया। ये सब बहुत सिंपल कोड है, आप एक बार बैठ के देखोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है? और उसके बाद हमने HTML टैग्स रिमूव किए और लास्ट में हमने पंक्चुएशंस रिमूव की, ठीक है? तो यही 4-5 स्टेप्स का प्री प्रोसेसिंग फंक्शन है। आपको कुछ नहीं करना है, इसको कॉल करना है और क्वेश्चन को पास कर देना। तो वही किया है मैंने नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में मैंने, बाय द वे ये एक एग्जांपल है प्री प्रोसेस को कॉल करने का, अगर आप लेट्स से एक ऐसा क्वेश्चन भेजते हो तो ये आपका आउटपुट आएगा, ठीक है? सारे प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स होने के बाद अब हमने क्या किया, क्वेश्चन 1 के ऊपर अप्लाई कर दिया प्री प्रोसेस और क्वेश्चन 2 के ऊपर भी अप्लाई कर दिया प्री प्रोसेस और वापस क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में ही सेव कर दिया। और ये करने के बाद यू कैन सी अब हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो अब प्री प्रोसेस्ड, ठीक है? सारे हमने प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स अप्लाई कर दिए। अब हमने फिर से स्टार्ट किया फीचर इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले जो हमारे 8 बेसिक फीचर्स थे हम पहले उनको लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले आ गया Q1 लेंथ, Q2 लेंथ। ये कोड बिल्कुल जैसा मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया सेम है, ठीक है? फिर Q1 नम वर्ड्स, Q2 नम वर्ड्स, उसके बाद कॉमन वर्ड्स, ठीक है? उसके बाद टोटल वर्ड्स और उसके बाद फाइनली वर्ड शेयर, ठीक है? सो ये रहा गाइस। इस बार बस ये डिफरेंस है कि ये सारे के सारे जो नए फीचर्स हमने बनाए हैं ये प्री प्रोसेस्ड डेटा के ऊपर बनाए हैं, ठीक है? सो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है अभी तक। अब यहाँ तक तो हमने कर लिया, अब इसके बाद हमें करना है एडवांस्ड फीचर इंजीनियरिंग, वो हम लोग नेक्स्ट करेंगे। सो गाइस अब हमें फीचर्स का थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो गया है, तो चलो फिर से स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट को। सारी लाइब्रेरीज हमने इंपोर्ट कर ली हैं, ऑल्दो मैं आपको कोड रन करके नहीं दिखाऊंगा बिकॉज इनमें से कई स्टेप्स ऐसे हैं जो बहुत टाइम लेते हैं एग्जीक्यूट होने में, तो मैं आपको बस कोड का एक वॉक थ्रू दे रहा हूँ। ये हमने पूरा डेटा इंपोर्ट किया और उस पूरे डेटा में से हमने 30,000 रोज निकाल लिए, ठीक है? ये रहे हमारे वो 30,000 रोज, ओके? सो ये हर बार सेम है क्योंकि हमने रैंडम स्टेट सेट कर रखा है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इस बार बस क्या डिफरेंस है कि मैं कोई भी फीचर्स क्रिएट करने के पहले प्री प्रोसेसिंग करूंगा, डेटा को इम्प्रूव करूंगा, ठीक है? सो 3-4 तरीके से मैं करने वाला हूँ। मैंने इनफैक्ट एक फंक्शन बना दिया है प्री प्रोसेस बोल के, जिसमें अगर आप एक क्वेश्चन भेजोगे तो वो उस क्वेश्चन के ऊपर कई तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस करेगा। मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सो सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन तो ये है कि वो क्वेश्चन को लोअर केस में लेके आ जाएगा और स्ट्रिप कर देगा सारे वाइट स्पेसेस, ठीक है? उसके बाद आप क्या करोगे कि कुछ सर्टेन स्पेशल कैरेक्टर्स जो आपके क्वेश्चंस में हैं उनको आप उनके स्ट्रिंग इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करोगे, जैसे परसेंट सिंबल के बदले परसेंट वर्ड आ जाएगा, डॉलर के बदले डॉलर, रूपी सिंबल के बदले रूपी वर्ड आ जाएगा, एट द रेट के बदले एट वर्ड आ जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले तो हमें ये रिप्लेसमेंट्स करने हैं। उसके बाद एक ब्लॉग पे मुझे ये पता चला कि ये मैथ इस तरीके से अकर कर रहा है बहुत सारे क्वेश्चंस में और इसका कुछ मीनिंग नहीं है, तो हम इसको हटाएंगे, ठीक है? उसके बाद ये जो नंबर वाले सारे सिंबल्स हैं हम इनको रिमूव करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम लोग वर्ड्स को डीकॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? सो मुझे एक बहुत बड़ी डिक्शनरी मिल गई इस लिंक से, जहाँ पे ये सारे के सारे जो अब इनको क्या बोला जाता है इंग्लिश में आई डोंट नो, बट वी यूज देम अलॉट, इनको हम लोग ब्रेक करके प्रॉपर लंबे वर्ड्स में लिखेंगे, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ी डिक्शनरी है, हमने इसको यूज़ किया और एक लूप चला करके ये सारा काम किया। ये सब बहुत सिंपल कोड है, आप एक बार बैठ के देखोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है? और उसके बाद हमने HTML टैग्स रिमूव किए और लास्ट में हमने पंक्चुएशंस रिमूव की, ठीक है? तो यही 4-5 स्टेप्स का प्री प्रोसेसिंग फंक्शन है। आपको कुछ नहीं करना है, इसको कॉल करना है और क्वेश्चन को पास कर देना। तो वही किया है मैंने नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में मैंने, बाय द वे ये एक एग्जांपल है प्री प्रोसेस को कॉल करने का, अगर आप लेट्स से एक ऐसा क्वेश्चन भेजते हो तो ये आपका आउटपुट आएगा, ठीक है? सारे प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स होने के बाद अब हमने क्या किया, क्वेश्चन 1 के ऊपर अप्लाई कर दिया प्री प्रोसेस
और क्वेश्चन टू के ऊपर भी अप्लाई कर दिया प्री प्रोसेस, और वापस क्वेश्चन वन और क्वेश्चन टू में ही सेव कर दिया। और ये करने के बाद यू कैन सी अब हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो अब प्री प्रोसेस्ड, ठीक है, सारे हमने प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स अप्लाई कर दिए। अब हमने फिर से स्टार्ट किया फीचर इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले जो हमारे 8 बेसिक फीचर्स थे हम पहले उनको लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले आ गया Q1 लेंथ, Q2 लेंथ, ये कोड बिल्कुल जैसा मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया सेम है, ठीक है। फिर Q1 नम वर्ड्स, Q2 नम वर्ड्स, उसके बाद कॉमन वर्ड्स, ठीक है, उसके बाद टोटल वर्ड्स, और उसके बाद फाइनली वर्ड शेयर, ठीक है। सो ये रहा गाइस, इस बार बस ये डिफरेंस है कि ये सारे के सारे जो नए फीचर्स हमने बनाए हैं ये प्री प्रोसेस्ड डेटा के ऊपर बनाए हैं, ठीक है। सो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है अभी तक। अब यहाँ तक तो हमने कर लिया, अब इसके बाद हमें करना है एडवांस्ड फीचर इंजीनियरिंग, वो हम लोग नेक्स्ट करेंगे। सो एडवांस फीचर्स को जैसा कि मैंने आपको दिखा रखा है कि मैंने 3 अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है, टोकन फीचर्स, लेंथ बेस्ड फीचर्स एंड फजी फीचर्स। तो मैंने तीनों टाइप की कैटेगरीज के लिए एक एक फंक्शन बना लिया, जैसे कि ये मेरा पहला फंक्शन है फेच टोकन फीचर्स, ठीक है। इस फंक्शन का काम है मुझे ये 8 फीचर्स प्रोवाइड करना, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सिंपल है, सबसे पहले मुझे पूरा एक रो मिलेगा डेटा का, उसमें से मैं अपने क्वेश्चन वन और क्वेश्चन टू को निकालूंगा, और उसके बाद मैंने एक लिस्ट बना लिया है जिसमें पहले से 8 जीरोज होंगे, क्योंकि मैं 8 फीचर्स रिटर्न करने वाला हूँ, तो मैंने पहले से लिस्ट बना लिया जिसमें 8 जीरोज होंगे। ऐसा क्यों है, इन केस किसी पर्टिकुलर रो के लिए गड़बड़ हो जाए तो मैं सारे जीरोज वाला लिस्ट रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद यू कैन सी मैंने टोकन्स में कन्वर्ट किया मेरे दोनों क्वेश्चंस को, और अगर दोनों क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन का टोकन का लेंथ अगर जीरो है तो मैंने टोकन फीचर्स को ऑलरेडी रिटर्न कर दिया, और टोकन फीचर्स में करेंटली क्या स्टोर्ड है, 8 जीरोज, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से हमारा आगे का काम स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमने सारे के सारे स्टॉपवर्ड्स को फेच किया, नॉन स्टॉपवर्ड्स को फेच किया, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया हम 3 चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, टोकन्स के ऊपर, नॉन स्टॉपवर्ड्स के ऊपर एंड स्टॉपवर्ड्स के ऊपर। तो हमने सबसे पहले नॉन स्टॉपवर्ड्स को फेच कर लिया और उनको स्टोर कर लिया Q1 वर्ड्स में और Q2 वर्ड्स में, और फिर हमने अपने स्टॉपवर्ड्स को स्टोर कर लिया जो कि यहाँ पर है, और टोकन्स को ऑलरेडी मैंने यहाँ पर स्टोर कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ तक आई गेस आपको समझ में आ रहा है। और उसके बाद ये रहे हमारे फीचर्स, गेट द कॉमन स्टॉपवर्ड फ्रॉम क्वेश्चन पे, और ये सारा कोड बहुत ही सिंपल है गाइज, आपको बस एक बार वॉक थ्रू देना है खुद से, ये कोड मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। यू कैन सी एक एक लाइन का कोड है एंड इट इज़ वेल एक्सप्लेन, और यहाँ पे मैंने अपने सारे फीचर्स यहाँ पे लाइन से बना लिए हैं, ठीक है। सो जो भी मैंने समझाया इन फीचर्स के बारे में, उसके बाद अगर आप ये कोड देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये पूरी चीज़ कैसे काम कर रही है। ऑल्सो ये सेफ डिव क्यों ऐड हो रहा है हर जगह डिनोमिनेटर में, सेफ डिप का वैल्यू एक बहुत छोटा नंबर है, उसका रीज़न ये है कि कभी कभी नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो जीरो हो सकता है, तो हमें इनफाइनाइट नहीं चाहिए, इसलिए हम एक छोटा नंबर ऐड कर रहे हैं, बट आउटपुट जो आएगा वो जीरो ही आएगा अगर नीचे वाला नंबर जीरो है तो, ठीक है ना। तो इसलिए हमने ऐड किया है। सो ये रहे मेरे पहले 5 फीचर्स जहाँ पे मैंने CWC मेन, CWC मैक्स, ये सब कैलकुलेट किया है। उसके बाद ये रहे मेरे ये पहले 6 फीचर्स हैं मिन मैक्स वाले। उसके बाद यहाँ पे है कि पहला वर्ड सेम है कि नहीं और लास्ट वर्ड सेम है कि नहीं, ये दोनों फीचर्स हैं, और मैंने ये टोकन फीचर्स को रिटर्न कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने न्यू DF के ऊपर अप्लाई किया है, मैंने फेच टोकन फीचर्स को कॉल किया है, ये रहा मेरा फेच टोकन फीचर्स, और जो भी रिटर्न आए सारे के सारे टोकन फीचर्स को मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया, और यहाँ पे मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। सो हर बार मैंने एक नया कॉलम बना लिया है CWC मेन, CWC मैक्स, और इस लिस्ट की जो वैल्यूज हैं उनको एक्सट्रैक्ट करते चला गया मैं, ठीक है। और ये पूरा स्टेप करने के बाद जब मैंने रन किया, यू कैन सी लास्ट में मेरे पास ये 8 नए कॉलम्स आ गए, ठीक है, और फॉर एवरी रो आई हैव सम वैल्यू फॉर देम, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट लेंथ बेस्ड फीचर्स के ऊपर, जहाँ पे मुझे 3 फीचर्स चाहिए थे, तो इन तीनों के लिए भी मैंने एक फंक्शन बनाया है फैन फेच लेंथ फीचर्स। सेम सब चीज़ें, रो मिलेगा, हम लोग क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट करेंगे, लेंथ फीचर्स बोल करके एक लिस्ट बना दिया जिसमें इनिशियली 3 जीरोज हैं,
टोकन्स एक्सट्रैक्ट किए और फिर यहाँ पर हमने इन तीनों को कैलकुलेट किया, ठीक है, और इन तीनों को कैलकुलेट करके रिटर्न कर दिया। और फिर से न्यू डी एफ डॉट अप्लाई में हमने कॉल किया और लेंथ फीचर्स को स्टोर कर लिया और यहाँ पे हमने ये कॉलम्स बना लिए। सो मैंने स्ट्रक्चर जानबूझ के कोड का इस तरीके से रखा है कि तीनों फंक्शंस के लिए सब कुछ बिल्कुल सेम है, बस इस फंक्शन के अंदर का इंटरनल वर्किंग थोड़ा अलग है, ठीक है। तो ये कोड बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, आप एक बार बैठ के आराम से देखो, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। इस स्टेप के बाद यू वुड सी कि हमारे पास लास्ट में ये तीन और कॉलम्स आ गए, ठीक है। अब बस हमारे फजी फीचर्स बच गए, जो लास्ट में चार फजी फीचर्स हैं। तो इसके लिए हमें एक लाइब्रेरी चाहिए होगी फजी वजी बोल के, ये लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल कर लेना है, पिप इंस्टॉल फजी वजी, और बस एक एक लाइन का कोड है। इस लाइब्रेरी के अंदर ये सारे फंक्शंस पहले से प्रेजेंट है, हमें कुछ भी नहीं करना, हमें अपने दोनों क्वेश्चंस पास कर देना है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम तरीके का फंक्शन फिर से हमने कॉल किया और फिर से हमने नए कॉलम्स हमारे बना लिए, ठीक है। और अब अगर आप देखो हमारे डेटा फ्रेम में लास्ट में यू कैन सी ये चार नए कॉलम्स ऐड हो गए। सो अब मेरे पास टोटल मिला के मेरे 22 फीचर्स रेडी हैं, ठीक है। ऑल्सो एक काम मैंने और किया और वो ये है कि ये जो नए फीचर्स मैंने क्रिएट किए एडवांस्ड फीचर्स, इनके ऊपर मैंने थोड़ा सा काइंड ऑफ EDA परफॉर्म किया टू अंडरस्टैंड कि ये जो नए फीचर्स हैं ये मुझे हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे। सो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इन चार कॉलम्स के ऊपर जो मैंने ग्राफ्स प्लॉट किए, तीन कॉलम्स के ऊपर एक्चुअली, जो जितने भी मिन वाले कॉलम्स थे, CTC मिन, CWC मिन और CSC मिन, पेयर प्लॉट मैंने प्लॉट कर दिया सो दैट एक साथ ही रिजल्ट आ जाए। ह्यू में मैंने इस डुप्लीकेट रखा है सो दैट दो अलग कलर्स आए डुप्लीकेट क्वेश्चन पेयर के लिए और नॉन डुप्लीकेट क्वेश्चन पेयर के लिए। तो आपको बस ये डायगनल प्लॉट्स पे फिलहाल फोकस करना है, यहाँ पर ही हमारा ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले अगर आप देखो CTC मिन में क्लियरली यू कैन सी कि डुप्लीकेट और नॉन डुप्लीकेट के बीच में आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो यूजिंग दिस क्वांटिटी CTC मिन। कुछ पोर्शन ओवरलैपिंग है बट फिर ये इनिशियल पोर्शन जो है ये बहुत ही एक्सक्लूसिव है। तो इससे समझ में आ रहा है कि CTC मिन अच्छा फीचर हो सकता है हमारे मॉडलिंग फेज के लिए, ठीक है। CWC मिन के बारे में भी यू कैन से द सेम थिंग कि शुरू वाले पार्ट में एक्सक्लूसिवली ब्लू कर्व डोमिनेट कर रहा है, इनफैक्ट थ्रू आउट ब्लू कर्व डोमिनेट कर रहा है, बस लास्ट की कुछ वैल्यूज के लिए यू कैन सी आपका ऑरेंज कर्व डोमिनेट कर रहा है। और यहाँ पर भी CSC मिन में भी मोर और लेस आपका इसी तरीके का कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें काम आ सकती हैं, यहाँ से तो यही समझ में आ रहा है, हम कंक्लूसिवली इनको हटा नहीं सकते। उसके बाद मैंने मैक्स वाले फीचर्स के ऊपर काम किया, मैक्स वाले फीचर्स में भी यू कैन सी अगेन ये सारे फीचर्स काम के ही लग रहे हैं। आप देख पा रहे हो कि मोस्टली आपका इनिशियल पार्ट जो है जो ब्लू कर्व डोमिनेट कर रहा है उससे थोड़ा आइडिया निकल पा रहा है, ठीक है। उसके बाद लास्ट वर्ड और फर्स्ट वर्ड के ऊपर थोड़ा फोकस किया, तो अगर आप लास्ट वर्ड वाले कर्व पे देखो तो यू कैन सी अगर लास्ट वर्ड मैच नहीं कर रहा है तो देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि क्वेश्चन डुप्लीकेट नहीं है, ठीक है। तो ये एक अच्छा फीचर समझ में आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी यू कैन सी कि अगर फर्स्ट वर्ड इक्वल नहीं है तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो डुप्लीकेट नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर यू कैन सी कि मोर और लेस दोनों का प्रोबेबिलिटी बराबर ही है, तो यहाँ पे कुछ खास समझ में नहीं आ रहा, बट ये दो चीजें एक्चुअली थोड़ा सा हमें एक पर्सपेक्टिव दे रही है कि लास्ट वर्ड इक्वल और फर्स्ट वर्ड इक्वल होने से क्या हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मैंने लेंथ बेस्ड फीचर्स के ऊपर सेम चीज अप्लाई किया, और लेंथ बेस्ड फीचर्स के ऊपर ऑनेस्टली मीन लेंथ वाला जो फीचर है और जो एब्सोल्यूट लेंथ डिफरेंस वाला फीचर है, इन दोनों से कुछ खास इन्फॉर्मेशन आप निकाल नहीं पा रहे हो। दोनों का जो ऑरेंज और ब्लू कर्व है बहुत साथ साथ चल रहा है, तो वो अच्छी बात नहीं है, बट जो लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग रेशियो वाला जो हमारा फीचर है वो फिर भी थोड़ा सा हेल्पफुल लग रहा है, ठीक है। और लास्टली हमारे फजी फीचर्स की अगर आप बात करो तो फज रेशो हो गया, फज पार्शियल रेशो हो गया, टोकन सॉर्ट रेशो हो गया और टोकन सेट रेशो हो गया, ये चारों ही मुझे थोड़ा थोड़ा अंदाजा दे रहे हैं कि किस तरीके से डिफरेंशिएट करना है। तो ये चारों को हम रखेंगे, इनफैक्ट फिलहाल मैंने सबको ही रखा है, मैंने किसी को हटाया नहीं है, ये मैंने बस आपको दिखाने के लिए रखा था। ऑल्सो मैंने एक और काम किया, मैंने TSNE अप्लाई किया और ये जो 22 फीचर्स थे, इनफैक्ट जो लास्ट में मैंने 15 एडवांस्ड फीचर्स बनाए थे, मैंने उसको रिप्लेस कर दिया विथ 2 TSNE फीचर्स, और मैंने देखना चाहा कि प्लॉट करके कि
क्या डिफरेंस आ रहा है डुप्लीकेट और नॉन डुप्लीकेट क्वेश्चंस में. सो ये टीस में अप्लाई करने का कोड है. यहाँ पे हमने टीस में के कंपोनेंट्स फेच किए और यहाँ पे मैंने उसको प्लॉट किया. एंड यू कैन सी जब आप उन 15 फीचर्स को लो डायमेंशन में लेके आ रहे हो, 2D में लेके आ रहे हो, तो दिस इज द कर्व. एंड यू कैन सी कि थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन हो रहा है. ठीक है, जो 0 और 1 का डिफरेंस है वो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन हो रहा है, क्योंकि अगर एक्सप्लेन नहीं होता तो ये बिल्कुल ओवरलैप्ड होता और आप कभी भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाते ब्लू और रेड कलर के बीच में. ठीक है, तो देर इज सम फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनेबिलिटी आफ्टर एडिंग दीज 15 न्यू एडवांस्ड फीचर्स. ठीक है, इनफैक्ट मैंने एक काम और किया 3D में इस चीज को देखने के लिए, 3D में कन्वर्ट किया एज इन टीसने को 3 कंपोनेंट्स दिए और सब कुछ सेम है. बस इस बार मैंने प्लॉटली का स्कैटर प्लॉट यूज किया. एंड यू कैन सी दिस इज द 3D प्लॉट. अगेन यू कैन सी कि हम देख सकते हैं लाइक वी कैन इजिली काइंड ऑफ डिफरेंशिएट सर्टेन रीजन. जैसे ये वाला जो रीजन है यहाँ पे ब्लू पॉइंट्स ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, यहाँ पे कंप्लीटली ब्लू पॉइंट्स ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं और बाकी के रीजन्स में कुछ रीजन है जहाँ पे रेड पॉइंट्स ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं. तो एक कंक्लूजन ओवरऑल ये निकल के आ रहा है कि ये जो 15 नए फीचर्स हमने बनाए ये हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं मॉडलिंग फेज में. ठीक है, तो फिलहाल मैंने सारे फीचर्स को रख लिया है, मैं किसी भी फीचर को हटा नहीं रहा हूँ. बट वो मीन लेंथ और एब्सोल्यूट मीन लेंथ वाले फीचर्स को मैं हटा सकता था बट फिलहाल मैंने नहीं हटाया. और उसके बाद मैंने क्या किया, सेम चीज स्टार्ट की. मैंने एक नया डेटा फ्रेम बनाया जिसमें मैंने question 1, question 2 को रखा. उसके बाद मैंने एक फाइनल DF बनाया जिसमें से मैंने ये कॉलम्स ड्रॉप कर दिए और ये रहा मेरा फाइनल DF जिसमें सारे के सारे मेरे फीचर जो भी मैंने बनाए वो सारे के सारे हैं. बेसिक वाले सारे फीचर्स हैं और फिर एडवांस वाले सारे फीचर्स हैं. ठीक है, ये मेरा फाइनल DF है. उसके बाद मैंने क्या किया, मेरे जो क्वेश्चंस हैं ये वाले डेटा फ्रेम के ऊपर मैंने काउंट वेक्टराइजर लगाया, मैक्स फीचर्स 3000 रख के. और ये सब चीज़ मैं आपको 2 बार ऑलरेडी दिखा चुका हूँ. तो मैंने उसको कॉन्कैटिनेट किया तो आई गॉट ए न्यू डेटा फ्रेम 30,000, 6,000. उसके बाद इस वाले डेटा फ्रेम को टेम्प DF को मैंने कॉन्कैटिनेट कर दिया फाइनल DF के साथ और अब मेरे पास ये नया डेटा फ्रेम आ गया जहाँ पे 6023 फीचर्स हैं. सो शुरू वाले फीचर्स एडवांस फीचर इंजीनियरिंग से आए हैं, उसके बाद 3000 फीचर्स फर्स्ट वाले क्वेश्चन के बैग ऑफ वर्ड्स से आए हैं और फिर नेक्स्ट 3000 फीचर्स सेकेंड वाले क्वेश्चन के बैग ऑफ वर्ड्स से आए हैं. ठीक है, तो अब ये हमारा डेटा बन गया. यहाँ पे मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया और यहाँ पे मैंने रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर अप्लाई किया. ठीक है, और थोड़ा सा एक्यूरेसी इंप्रूव कर गया, 76 पॉइंट समथिंग था, अब ये 78.4 हो गया. तो ऑलमोस्ट 2% का एक्यूरेसी जंप लिया हमने इतना मेहनत करने के बाद. और एक्सजी बूस्ट लगाने पे थोड़ा और अच्छा एक्यूरेसी आया 79.2 का, तो हम लोग थोड़ा 80 के अराउंड पहुंच रहे हैं. ठीक है, अब ऑनेस्टली ऐसा ही होता है, आप इसके बाद और मेहनत करोगे तो थोड़ा थोड़ा ही एक्यूरेसी बढ़ता है. ठीक है, क्योंकि शुरू में बहुत एक्सप्लेनेबिलिटी आ जाता है, बहुत सारा एक्यूरेसी छोटे सी चीज से आ जाता है बट उसको इम्प्रूव करने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है. देन यू कैन सी कि हम लोग 74 पे ऑलरेडी थे, उससे 76 पे आए और अब हम लोग 79 पे आ पाए. ठीक है, बट ये अच्छा है, जितना मैंने पढ़ा जो टॉप सॉल्यूशन भी था इस पूरे कंपटीशन में वो शायद 83 या 85% ही था. ठीक है, तो अगर हम ऑलरेडी 30,000 डेटा लेकर के 80% तक पहुँच पा रहे हैं तो इमेजिन हम और चीज़ें अगर करें तो इसको हम डेफिनेटली इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, अब एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर चूज़ करना चाहिए या फिर एक्सजी बूस्ट क्लासिफायर चूज़ करना चाहिए, तो एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो दिख रहा है कि एक्सजी बूस्ट को चूज़ करना चाहिए, बट इस प्रॉब्लम में एक्चुअली आपको एक चीज़ और ध्यान देनी पड़ेगी और वो है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स. ठीक है, क्यों मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ. सो गाइज, यहाँ पर अगर आप देखो इस प्रॉब्लम में हमारा कॉस्ट ऑफ मिसक्लासिफिकेशन इज वेरी हाई. जैसा हमने डिस्कस किया था कि अगर आप मिसक्लासिफिकेशन करके दो ऐसे क्वेश्चंस को मर्ज कर दो जो एक्चुअली में डुप्लीकेट नहीं है तो वो बहुत गड़बड़ की बात है, आपका यूजर एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप कन्फ्यूजन मैट्रिक्स देखो, मान लो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिडिक्टेड और यहाँ पे हम लिखते हैं एक्चुअल. ठीक है, 0, 1, 0, 1. ओके, अब देखो
ये तो अपने करेक्ट क्लासिफिकेशन है, ठीक है, ये दोनों हमारे मिस क्लासिफिकेशन है। अब मिस क्लासिफिकेशन में अगर आप फोकस करो तो कौन सा वाला ज्यादा खतरनाक है? दो पॉसिबिलिटीज हैं कि एक्चुअली में डुप्लीकेट नहीं था, बट हमारे मॉडल ने बोला कि डुप्लीकेट है, ये एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सो डुप्लीकेट एक्चुअल में डुप्लीकेट नहीं था बट प्रिडिक्टेड में आपने बोल दिया है, ये एक गलती है। दूसरी गलती ये है कि एक्चुअली डुप्लीकेट था बट आपने बोला डुप्लीकेट नहीं है। अगर आप सोच के देखो तो ज्यादा बड़ी गलती ये वाली है, जहां पर डुप्लीकेट नहीं है आपके क्वेश्चंस बट आप बोल दो कि डुप्लीकेट है और आप उन दोनों क्वेश्चंस को मर्ज कर दो, तो यहां पर आपका यूजर एक्सपीरियंस खराब हो रहा है। तो हमें वो मॉडल चूज करना पड़ेगा जो ये वाली गलती कम कर रहा है, राइट। सो अगर हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स प्लॉट करें फॉर बोथ रैंडम फॉरेस्ट एंड एक्सजी बूस्ट, तो हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सी वाले को हमें यूज करना चाहिए। और गाइज वही किया मैंने यहाँ पर, मैंने रैंडम फॉरेस्ट का कंफ्यूजन मैट्रिक्स को प्लॉट किया और मैंने एक्सजी बूस्ट के कंफ्यूजन मैट्रिक्स को प्लॉट किया, एंड यू कैन सी ये वाला जो मिस्टेक है ये रैंडम फॉरेस्ट कम कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज वाई गोइंग बाय दैट लॉजिक हमें रैंडम फॉरेस्ट को सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि एक्यूरेसी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सो गाइज ये प्रोजेक्ट तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी में किया, तो मुझे उतना टाइम नहीं मिला इस प्रोजेक्ट को इम्प्रूव करने का, बट सिंस आप इसको एज अ पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट करोगे तो आपको इसको बहुत अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। तो सवाल ये आता है कि हम लोग रफली 80% एक्यूरेसी तक तो पहुंच गए, अब उससे ऊपर कैसे पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको तीन चार आइडियाज दे रहा हूँ जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो। द फर्स्ट आइडिया इज क्लियरली टू इंक्रीज द डेटा, इंक्रीज द डेटा। हमारे केस में हमारे पास ऑलमोस्ट 4 लाख रोज थे बट हम यूज कर पाए सिर्फ 30 के, ऑल बिकॉज ऑफ माई रैम। तो आपको इस प्रॉब्लम से बचने का कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। एक सोल्यूशन तो ये है टू इंक्रीज योर रैम, अगर आपके पास मेरे से बेटर मशीन है, आई गेस 16 GB रैम विल हेल्प, मेरा 8 GB है। सेकेंड इज यूज सम क्लाउड प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको थोड़ा ज्यादा रैम मिलता है, लाइक गूगल कोलैब और समथिंग। या फिर आप क्या करो, आप बैचेस बना के डेटा का भेजो, ठीक है। तो आप ये इंक्रीमेंटल लर्निंग यूज कर सकते हो, यू कैन यूज अ लाइब्रेरी लाइक वैक्स या फिर डास्क, ठीक है। इस तरह की कोई लाइब्रेरी आप यूज कर सकते हो और वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। सेकेंड तरीका क्या है? सेकेंड तरीका है थोड़ा और अच्छे से प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स अप्लाई करो। मैंने ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें अप्लाई की बट मैंने कुछ चीज़ें नहीं भी की, जैसे कि मैंने स्टेमिंग नहीं किया। सो जितना आप डेटा को और देखोगे समझोगे, आपको थोड़ा और क्लियर पिक्चर मिलेगा कि आपको और किस तरह का प्री प्रोसेसिंग करना चाहिए इस डेटा के ऊपर। थर्ड जो क्लियरली मैंने नहीं किया है वो है टू अप्लाई मोर एल्गोरिदम्स। मैंने सिर्फ रैंडम फॉरेस्ट और एक्सजी बूस्ट यूज किया। यू कैन यूज SVM, यू कैन यूज लॉजिस्टिक रिग्रेशन और परसेप्ट्रॉन, ठीक है, और हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग भी मैंने नहीं किया। उससे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आता, तो आप हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग भी करो, ठीक है, ये आपका टास्क है। उसके बाद एक चीज और जो मुझे लगती है कि थोड़ा और अगर आप रिसर्च करो इस प्रॉब्लम पे, तो यू कैन क्रिएट मोर फीचर्स। जैसे कि मैंने अभी टोटल मिला के 22 फीचर्स बनाए, बट मैंने जब पढ़ा और लोगों के नोटबुक्स को तो मुझे देखा कि लोगों ने और भी कुछ फीचर्स एक्सट्रैक्ट किए हैं इस डेटा से, तो आप वो कर सकते हो। उसके बाद एक तरीका ये है कि आप जो आपका फीचर एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, जो आप फीचर एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, मैं उसके लिए वर्ड टू आई एम सॉरी मैं उसके लिए यूज कर रहा हूँ बैग ऑफ वर्ड्स, ठीक है, मैं बैग ऑफ वर्ड्स यूज कर रहा था। आप उसके बदले TF-IF
IDF यूज़ कर सकते हो या फिर वर्ड टू वेक भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप TF IDF वेटेड वर्ड टू वेक भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इससे भी एक इम्प्रूवमेंट आने का सीन है। ऑल्सो यू कैन इम्प्लीमेंट टेक्निक्स लाइक क्रॉस वैलिडेशन, ये भी नहीं हुआ है। एंड द लास्ट सजेशन फ्रॉम माई साइड वुड बी कि आप डीप लर्निंग इम्प्लीमेंट करके देखो, क्योंकि मैंने जब इस प्रॉब्लम के बारे में पढ़ाई की थी तो आई सॉ अ लॉट ऑफ पीपल वर इम्प्लीमेंटिंग डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स ऑन दिस डेटा टू गेट गुड रिजल्ट्स, ठीक है। तो आप LSTM टाइप का न्यूरल नेटवर्क यूज कर सकते हो, आप ट्रांसफॉर्मर्स अप्लाई कर सकते हो BERT टाइप का, तो उस तरह के सॉल्यूशंस भी प्रॉब्लम नहीं करेंगे। डीप लर्निंग यूज करने से एक फायदा ये भी होगा कि आप पूरा का पूरा डेटा यूज कर सकते हो, बिकॉज वहां पे बिल्ट इन आपके पास डेटा लोडर्स होंगे, जो आपकी ये परेशानी है कि एक साथ पूरा डेटा आप नहीं लोड कर पा रहे हो रैम पे, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एक चीज और, मैंने ये TF IDF वेटेड वर्ड टू वेक भी इम्प्लीमेंट किया था और इससे भी मेरा एक्यूरेसी अराउंड 80% आ रहा था। तो सिंस ये थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट था, मैंने इस वीडियो में नहीं डाला है, बट मैं क्या करूँगा, मैं कोड आपके साथ शेयर कर दूंगा, वो कोड देख करके आप थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन खुद से देख सकते हो, ठीक है। तो ये मेरे सजेशन है आफ्टर डूइंग जितना भी रिसर्च मैंने किया इस प्रोजेक्ट पे, ये 5-6 तरीकों से आप इजिली 1-2% एक्यूरेसी और बढ़ा सकते हो, ठीक है। सो गाइज, हमने मॉडल तो बना लिया और अब हमारा अगला जो चैलेंज है वो है इसको एज अ वेबसाइट कन्वर्ट करना, मतलब हमारे मॉडल को हमें एज अ वेबसाइट सर्व करना है, और जब ये एक बार हो जाए तो हमें इसको डिप्लॉय करना है ऑन अ क्लाउड सर्विस। लेट्स से हम ले रहे हैं हेरोको का एग्जांपल, ठीक है। अब देखो ये पूरा सॉफ्टवेयर काम कैसे करेगा कि हमारे पास एक वेबसाइट होगी जहाँ पे यूज़र 2 questions डालेगा या फिर एग्जिस्टिंग questions होंगे और एक नया question डालेगा, और हमें फिर मैच करना है कि 2 questions मैच कर रहे हैं कि नहीं। सो इन अ वे मुझे क्या करना है, मुझे 2 questions को पकड़ना है Q1 Q2, और इन दोनों questions को मेरे rf.predict function में डालना है, ठीक है। और ये rf.predict function या तो मुझे 0 देगा या तो 1 देगा। 0 का मतलब ये दोनों डुप्लीकेट्स नहीं है, 1 का मतलब ये दोनों डुप्लीकेट्स है। देयर इज ओनली वन प्रॉब्लम कि ये जो rf.predict फंक्शन है, इसको जो इनपुट चाहिए, जो इनपुट चाहिए है उसका शेप होना चाहिए 1,6022, ठीक है। मतलब एक रो और उसमें 6022 कॉलम। 6022 कॉलम्स कैसे, 22 हमारे फीचर्स हो गए प्लस 3000 हमारे फर्स्ट वाले क्वेश्चन का बैग ऑफ वर्ड्स फीचर्स, और 3000 हमारे नेक्स्ट बैग ऑफ वर्ड्स क्वेश्चन 2 के फीचर्स, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमारे पास ये दोनों क्वेश्चंस आएंगे तो इन दोनों क्वेश्चंस को यूज करके सबसे पहले हमें ये 22 फीचर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, उसके बाद हमें क्वेश्चन 1 से बैग ऑफ वर्ड्स निकालना है और क्वेश्चन 2 से बैग ऑफ वर्ड्स निकालना है, इन तीनों को जोड़ना है और इसको एक नंपाई एरे का फॉर्म देना है जिसका शेप होगा 1,01,6022, और तब हम उसको rf.predict में डालेंगे। तो थोड़ा सा ये टेढ़ा काम है, वही मैं आपको नेक्स्ट करके दिखाता हूँ। गाइज, मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है क्वेरी पॉइंट क्रिएटर बोल के, ठीक है। इसको 2 questions एज इनपुट मिल रहे हैं Q1 Q2, और ये क्या कर रहा है, सबसे पहले एक एरे बना रहा है, एक लिस्ट बना रहा है इनपुट क्वेरी बोल के, जो कि शुरू में एम्प्टी है, ठीक है। इसमें मैं अपने 22 फीचर्स का वैल्यू स्टोर करूंगा, ठीक है। तो स्टेप 1 में सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने प्री प्रोसेस कर लिया मेरे क्वेश्चंस को, ठीक है। प्री प्रोसेस करने के लिए मैंने ऊपर जो प्री प्रोसेस फंक्शन बनाया था उसी को यूज कर लिया। अब मेरे पास दोनों क्वेश्चंस प्री प्रोसेस्ड, ठीक है। उसके बाद अब मैंने यहाँ पे बेसिक फीचर्स बनाने स्टार्ट किए। सो यू कैन सी बेसिक फीचर्स बनाना बहुत ईजी है, सबसे पहले कैरेक्टर काउंट, उसके बाद वर्ड काउंट, और यू कैन सी हर बार जब मैं फीचर बना रहा हूँ मैं इनपुट क्वेरी वाले लिस्ट में उसको ऐड करते जा रहा हूँ, ठीक है। सो ये हो गया वर्ड काउंट, ये हो गया आपके कॉमन वर्ड्स, ये हो गया आपके टोटल वर्ड्स, और ये हो गया आपका वर्ड शेयर, ठीक है। ये हो गया आपके बेसिक फीचर्स।
उसके बाद टोकन वाले फीचर्स के लिए मैंने बेसिकली ये फेच टोकन फीचर्स जो ऊपर फंक्शन बनाया था उसको ये दोनों क्वेश्चंस पास कर दिए, जो भी टोकन फीचर्स आए उसको मैंने ऐड कर दिया इनपुट क्वेरी में, और ये सेम काम मैंने कर दिया लेंथ बेस्ड फीचर्स के लिए भी और फजी फीचर्स के लिए भी, ठीक है। और इतना करने के बाद अब इनपुट क्वेरी में 22 नंबर्स का एक ये लिस्ट बन गया है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, सीवी डॉट ट्रांसफॉर्म किया Q1 को, इससे मुझे 3000 फीचर्स मिले जिसको मैंने इस वेरिएबल में डाल दिया, और फिर मैंने Q2 बो बोल के भी एक फीचर बनाया जिसमें मैंने सीवी डॉट ट्रांसफॉर्म कर दिया क्वेश्चन 2 के ऊपर। तो अब मेरे पास 22 प्लस 3000 प्लस 3000 फीचर्स थे, मैंने उसको एच स्टैक कर दिया, और ये एच स्टैक अब मतलब मुझे रिटर्न में दे देगा। लेट मी शो यू मैंने क्या क्वेश्चंस रखे हैं। जैसे कि मेरे क्वेश्चंस ये हैं, ये मेरे दो क्वेश्चंस हैं, दीज आर द टू क्वेश्चंस दैट आई हैव। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्वेरी पॉइंट क्रिएटर फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, Q1 पास कर रहा हूँ, Q2 पास कर रहा हूँ, और यू कैन सी ये मुझे एक numpy array दे रहा है, और अगर इस numpy array का मैं शेप दिखाऊं तो इट इज 1,6022, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको भेज सकता हूँ RF जो मेरा रैंडम फॉरेस्ट मॉडल है उसके प्रिडिक्ट फंक्शन के अंदर लाइक दिस, ठीक है। अब क्या होगा, ये इनपुट क्वेरी पॉइंट जाएगा और मेरा रैंडम फॉरेस्ट प्रिडिक्ट करेगा 1 या 0, ठीक है। सो ये दोनों क्वेश्चंस अगर आप एक बार पढ़ो तो पहला क्वेश्चन है वेयर इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, और सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द करंट कैपिटल ऑफ इंडिया, दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो आना चाहिए 1, एंड यू कैन सी 1 आ रहा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इंडिया के बदले यहाँ पे पाकिस्तान कर देते हैं। नाउ ये दोनों क्वेश्चंस एकदम ही अलग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको रन करूं, यू कैन सी 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरा काम अब हो रहा है। अब बस मुझे क्या करना है, मुझे स्ट्रीमलेट को यूज करके इस पूरे के पूरे कोड को एक वेबसाइट का फॉर्म देना है। सो गाइज, इस पूरे मॉडल को वेबसाइट में कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा, और वो ये है कि हमारा जो रैंडम फॉरेस्ट मॉडल है और जो हमारा काउंट वेक्टराइजर ऑब्जेक्ट है, इन दोनों को हमें पहले एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। सो दैट इज़ वाई मैंने इन दोनों को पिकल कर दिया, ये इस जगह पर आ गया है मेरे पास, ठीक है। उसके बाद मैंने पाइचम में एक नया प्रोजेक्ट बनाया, और उस प्रोजेक्ट में मैंने दो फाइल्स बनाई, पहला app.py, दूसरा helper.py, और मैंने ये दोनों pkl ऑब्जेक्ट्स को पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर कोड बहुत सिंपल है, ये मेरा app.py फाइल है जहाँ पर मैंने सबसे पहले अपने मॉडल को अनपिकल किया, उसके बाद मैंने स्ट्रीमलेट को यूज़ करके एक वेब पेज बनाया जहाँ पे सबसे पहले एक टाइटल में लिखा हुआ है डुप्लीकेट क्वेश्चन पेयर्स, उसके बाद दो टेक्स्ट इनपुट्स हैं जिसमें मैं क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 यूजर से लूँगा। लेट मी शो यू, ऐसा कुछ ये मेरा वेब पेज है, और नीचे एक बटन है फाइंड बोल के जिसके क्लिक पे मैंने कुछ किया है, ठीक है। क्या किया है, मैंने हेल्पर फंक्शन को कॉल किया और हेल्पर फंक्शन के अंदर क्वेरी पॉइंट क्रिएटर फंक्शन को कॉल किया। सो ये जो मेरा फंक्शन था क्वेरी पॉइंट क्रिएटर, इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया helper.py में, ये रहा वो फंक्शन, ये रहा, ठीक है। तो ये मुझे पलट करके, अगर मैं इसको क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दूं तो ये मुझे पलट करके वो numpy array देगा 1,6022 जो भी शेप है उसका। और फिर मैंने क्या किया, model.predict में उसको भेजा और उससे मैंने 1 या 0 रिजल्ट में फेच किया। अगर रिजल्ट 1 है तो मैं डुप्लीकेट बोल रहा हूँ, एल्स मैं नॉट डुप्लीकेट बोल रहा हूँ। वेराज यहाँ पे अगर आप देखो, क्वेरी पॉइंट क्रिएटर को और बहुत सारे फंक्शन की जरूरत थी, तो ये सारे फंक्शन मैंने यहाँ पे बना लिए हैं। यू कैन सी ये हमारा प्री प्रोसेस फंक्शन है जिससे प्री प्रोसेसिंग होगा, ये फजी फीचर्स फेच करने के लिए है, ये लेंथ फीचर्स फेच करने के लिए है, ये टोकन फीचर्स फेच करने के लिए है, और ये बेसिक फीचर्स फेच करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली जो काम हमने वहाँ पे किया था वो सेम काम मैंने यहाँ पे कर दिया। नाउ इफ आई गो बैक आई कैन शो यू द डेमो। सो वी कैन राइट व्हाट इज द idea behind democracy question mark what is the core idea behind socialism not duplicate
अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ डेमोक्रेसी तो इट सेज डुप्लीकेट, ठीक है। तो ये हमारा वेबसाइट रेडी हो गया, ठीक है। अब बस हमें क्या करना है, इसको हेरोकू पे डिप्लॉय करना है। सो गाइज, हमें सबसे पहले हेरोकू पे डिप्लॉय करने के पहले तीन फाइल्स बनानी पड़ेंगी। सबसे पहले प्रॉक फाइल, जिसमें आपको ये कमांड डालनी है, सेटअप डॉट एस एच आपकी बैच फाइल, और लास्टली आपकी रिक्वायरमेंट्स फाइल, जहाँ पे आप अपनी सारी उन लाइब्रेरीज का नाम लिखोगे जिनकी ज़रूरत आपको सर्वर पे पड़ेगी, ठीक है। ये तीन फाइल्स आपने बना ली, उसके बाद यू हैव टू गो टू हेरोकू। हेरोकू में आप अपना अकाउंट क्रिएट करके उसमें लॉग इन करो, आप इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ से आपको एक नया एप्लीकेशन बनाना है, एप्लीकेशन का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैं इसका नाम रख रहा हूँ डुप्लीकेट क्वेश्चन पेयर कैंपस एक्स। ये URL अवेलेबल है, मैंने क्रिएट ऐप पे क्लिक कर दिया। अब बस मुझे लाइन से ये कमांड्स एग्जीक्यूट करने हैं, बट उसके पहले मुझे हेरोकू CLI इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने मशीन पे कर रखा है, आप भी जल्दी से कर लो, ठीक है। उसके बाद अब मुझे लगातार ये सारे कमांड्स रन करने हैं। सबसे पहले हेरोकू लॉग इन, सो आई विल गो टू टर्मिनल। ये मुझे सबसे पहले ऑथेंटिकेट करेगा ब्राउजर में, इस बटन पे क्लिक करना है और हम ऑथेंटिकेट हो गए। अगला कमांड है हमें अपने प्रोजेक्ट में गिट इनिशियलाइज करना है, उसके बाद आपको ये कमांड रन करना है, उसके बाद आपको सारी फाइल्स को क्यू करना है, कमिट करना है, और लास्ट कमांड पुश करना है, एंड दैट्स इट। अब ये अपलोड हो रहा है थोड़ी देर के बाद, लेट्स सी क्या होता है आउटकट। एंड या गाइस, हमारा ऐप इंस्टॉल हो गया है, और ये रहा उसका URL, एंड यू कैन सी दिस इज द ऐप डिप्लॉयड ऑन हेरोकू सर्वर, ठीक है। अब मैंने थोड़ा टेस्टिंग किया इस ऐप को, और एक दो पॉइंट्स है मेरे दिमाग में, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ नेक्स्ट। सो गाइज, मेरे दो ऑब्जर्वेशंस हैं आफ्टर टेस्टिंग द आउटपुट ऑफ माई मॉडल। द फर्स्ट वन इज कि हमें रादर देन यूजिंग बैग ऑफ वर्ड्स, वर्ड टू वेक यूज करना चाहिए। दिस इज माई ऑब्जर्वेशन, क्योंकि वर्ड टू वेक में आपका सिमेंटिक मीनिंग जो होता है वो ज़्यादा बढ़िया सा कैप्चर होता है। और मुझे अपने टेस्टिंग में ये दिखाई दिया कि मेरा जो मॉडल है वो थोड़ा सा लैक कर रहा है सिमेंटिक मीनिंग कैप्चर करने में। अब सिंस मैंने ऑलरेडी शूट कर लिया है वीडियो, तो मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा, बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको एक कोड प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उस कोड में मैंने W2V एज इन वर्ड टू वेक अप्लाई कर रखा है, वो भी TF IDF वेटेड, ठीक है। इससे थोड़े बड़े बेटर रिजल्ट्स आ रहे थे जब मैंने टेस्ट किया। सेकेंड जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि अभी हम लोग एक्यूरेसी एज अ मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं, एक्यूरेसी एज अ मैट्रिक यूज कर रहे हैं कि जिसका एक्यूरेसी ज्यादा अच्छा है वो ज्यादा अच्छा मॉडल है। बट एक्यूरेसी का क्या प्रॉब्लम है कि ये या तो रिजल्ट 1 में दे रहा है या तो 0 में दे रहा है। बट मुझे लगता है कि हमें एक प्रोबेबिलिटी जनरेट करना चाहिए बिटवीन 0 to 1, जितना 1 की साइड उतना ज्यादा चांस है डुप्लीकेट होने का दो क्वेश्चंस का, और जितना 0 की साइड है उतना ज्यादा चांस है नॉन डुप्लीकेट होने का। और फिर हमें लास्ट में कुछ थ्रेशोल्ड लगा देना चाहिए हमारे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, लेट्स से 0.6 या 0.5, कि उसके नीचे डुप्लीकेट है उसके ऊपर नॉन डुप्लीकेट है, ऐसे करके एक थ्रेशोल्ड लगा देना चाहिए। बट वी शुड यूज अ प्रोबेबिलिटी वैल्यू रादर देन एक्यूरेसी जो सीधे 0 या 1 देता है। तो एक अच्छा कैंडिडेट है लॉग लॉस। सो आई वुड रिकमेंड कि जब आप मेट्रिक यूज करो तो लॉग लॉस ट्राई करो, इससे शायद आपको थोड़ा बेटर आउटकम मिल सकता है। तो ये दोनों मेरे ऑब्जर्वेशन है, पहला वर्ड टू वेक यूज करना, दूसरा लॉग लॉस यूज करना, ठीक है। इससे थोड़ा आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा आपके मॉडल में। सो दैट वॉज द वीडियो गाइज। एज यू कैन सी, अभी स्कोप बहुत ज़्यादा है इम्प्रूवमेंट करने का। मैंने आपको कई पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स बताए, एंड आई होप आप इस वीडियो को देखने के बाद इस प्रोजेक्ट को थोड़ा और सीरियसली ले करके कंप्लीट करोगे। आई वुड से आप जो भी मेट्रिक्स हमने पकड़े थे उनको बहुत इम्प्रूव करो और थोड़ा स्टडी करो,
कैगल पे बहुत सारा रिसोर्स अवेलेबल है, इंटरनेट पे और बहुत सारे ब्लॉग्स हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर, एक बार वो सब पढ़ो। दिस इज़ अ गुड प्रोजेक्ट। ये करने के प्रोसेस में आपका बहुत अंडरस्टैंडिंग इन्हांस होगा। डीप लर्निंग सीख करके वापस इस प्रोजेक्ट पे आओ और डीप लर्निंग अप्लाई करो, ठीक है? तो ये प्रोजेक्ट में बहुत पोटेंशियल है और थोड़ा डिफिकल्ट प्रोजेक्ट है, इसको बना पाना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो आई वुड रिकमेंड एक बार प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको बनाओ, ठीक है? और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड शेयर इट विद समवन जिसको इसकी ज़रूरत है। एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।